हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है लाइफ कोचिंग विद नमिता शो में। टुडे इज 14 दिसंबर, 8:05, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो लोग काय काय करते हैं, खिट खिट करते हैं, किच किच करते हैं, स्ट्रेस देते हैं आपके रोज के जो जीवन में, उनको कैसे इग्नोर किया जाए, कैसे स्ट्रेस आउट ना हो, उनको कैसे इग्नोर किया जाए और अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ते रहे। तो आज की हमारी ये चर्चा है, आप सब में प्रतीक्षा के लिए आपका आभार, आई एम सॉरी अबाउट इट। यहाँ पर पूनम बत्रा जी हैं, दीप बैनर्जी हैं, नवीन बद्री जी हैं, बिनी अदेसारास, जसप्रीत कौर, जलपा, शिवानी अग्रवाल और अनीता सिंह, आस्था सोनी, अमी, अंशुमन चौधरी, जेडी ग्रोवर, जगत प्रसाद बदोनी, इट्स माय लाइफ एंड सो मेनी मोर पीपल, आप सबका बहुत स्वागत है। पूर्वा सिंह, अरिजीत, मैथ्स बाय वाई जी, गोपाल, नवीन, दीप, सो मेनी पीपल। हरे कृष्णा, मैं हूँ नमिता पुरोहित, मैं हूँ प्रोफेशनल लाइफ कोच। हम कोचिंग भी देते हैं और जो कोच बनना चाहते हैं उनको भी ट्रेन करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न विजडम, अपनी जो वैदिक पद्धति के हिसाब से और वेस्टर्न साइकोलॉजी के हिसाब से भी। तो आज हम शेयर करने वाले हैं तीन तीन टिप्स, और विदाउट फर्दर डिले हम स्क्रीन पर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो टेक टीम जी हैं वो स्क्रीन पर स्लाइड्स लेकर आए। तो हम आरंभ करेंगे वो तीन टिप्स के साथ, और जो बने रहना चाहते हैं ज्यादा, फिर हम वो तीन टिप्स को डिटेल में उनकी उनके बारे में समझेंगे, उन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए। आपके भी टिप्स लेंगे, आपके भी अनुभवों का हम साथ लेंगे और प्रेरणा लेंगे आपके अनुभवों की। तो अब आगे बढ़ते हैं, इग्नोर करना सीखे और आगे बढ़े। देखो मत, यहाँ वहां टाइम वेस्ट होता है, अपना आगे बढ़ते रहो। लर्न टू इग्नोर पीपल हु मेंटली स्ट्रेस यू। सो ये हम करने वाले हैं, आज हम ये सोचने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैं जा रही हूँ आज के हमारे जो तीन टिप्स हैं, जो ये तीन की स्टेप्स हैं जिससे कि आप उन लोगों को इग्नोर कर सकते हो जो आपको स्ट्रेस आउट करते हैं। और आज हम इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। आप अपना अपने उद्देश्य पर, अपने गोल्स पर, अपने ध्येय, मतलब अपने जहां पहुंचना चाहते हैं उस पर आंखें बनाए रखें। आईज ऑन द प्राइज, आईज ऑन द प्राइज। जब आप अपने गोल्स पे फोकस्ड रहते हैं और एक काफी अच्छे से, मतलब पूरा मन तन नो एवरी वे में स्पिरिचुअली भी अपने गोल पे फोकस रहते हैं, और वो गोल को आप जान जीतना चाहते हैं, उस प्राइज को, आईज ऑन द प्राइज, यू वांट टू अर्न द प्राइज, तो फिर आपको पता लगता है कि समय समय बहुत ही कीमती है, और उसको यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है मुझे मेरा गोल अचीव करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, ये मेरी ट्रैकिंग लिस्ट है, ये मेरा ये है, इसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो मुझे मेरा माइंड, एक भी विचार मुझे वेस्ट नहीं करना है, माइंड की इतनी स्पेस है, मुझे एक भी विचार वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपने गोल पे फोकस रहना है। सो दैट इज वन पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकेंड पॉइंट इज, जब वो वैसे वाले हादसे होते हैं, जब लोग जिनसे आप, जब आप इरिटेट होते हो, स्ट्रेस आउट होते हो उन रिश्तों में, उन लोगों से, तो उस समय अपना ध्यान कैसे रखना है, कैसे अपने आप के साथ खड़ा रहना है, कैसे अपने आप को धाड़स बंधानी है और कैसे आगे बढ़ते रहना है फोकस करते हुए, राइट? क्योंकि एक्सीडेंट तो हो गया ना, किसी ने कुछ बोला, अंदर तो घाव लगा ना, तो कैसे उसमें अपने आप का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रूल्स फॉर लाइफ। कुछ रूल्स है जीवन के, वो समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जगत और जगत के लोग आपके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं, उसमें से हमने कुछ पांच पकड़े हैं या छह पकड़े हैं आज के लिए, जिन्हें अगर आप याद कर लोगे, उनको आप अपने बांध लोगे गांठ, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप इग्नोर करोगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। तो आज हम ये तीन की स्टेप शेयर करने वाले हैं कि अपने उद्देश्य पे फोकस्ड रहना, एक मन से पूरा एकात्मन करके पूरा उस पर फोकस रहना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जब ऐसे हादसे होते हैं, अपना ध्यान देना, और ये रूल्स फॉर लाइफ, हमारे कुछ रूल्स फॉर लाइफ हैं जिन्हें हमें गांठ बांध के रखना है, तो हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, राइट?
और भी हम कुछ दो बातें कहेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स आज हमारे ये तीन हैं। तो अब ये जो लोगों को लंबा लंबा नहीं सुनना है वो ये तीन पॉइंट्स सुन के भी शोक से विदा ले सकते हैं, लेकिन जो ये तीन पॉइंट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं वो हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप लाइफ में ये तीन पॉइंट्स अपना लेते हो, आप अपने आप लोगों को इग्नोर करते हो, आप प्रोसेस नहीं करते हो ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, और आप अपने आप पे फोकस रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट नंबर वन क्या है, कि ये पहले इतने सारे ट्रिगर्स हैं हमारे समक्ष में, है ना, जो बटन दबाओ बिजली आती है, बटन दबाओ ये होता है वो होता है, वैसे ही मेरे बटन दबाओ मैं भी नाचने लगती हूँ, मेरे बटन दबाओ मैं ऐसा रिएक्शन देती हूँ। तो हमारे भी ट्रिगर्स हैं, मेरे भी ट्रिगर्स हैं, कई ट्रिगर्स मुझे लगा था मैं उन पर काम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी अभी मुझे वीकेंड पे ऐसा मुझे खुद के दर्शन हुए कि नहीं, अच्छा ये अभी बाकी रह गई, इसमें कसर बाकी रह गई, काम करना बाकी रह गया, इम्प्रूव होना बाकी रह गया, है ना। तो यहाँ पर इतने सारे ट्रिगर्स होते हैं लाइफ में, जब हम कहीं काम करते हैं, हमारे काम करने के कार्य क्षेत्र में भी कितने सारे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं। बॉस का कुछ एक नेचर हो जाता है, अजीब अजीब तरीके की रिपोर्टें मांगते हैं, आपको काम देते भूल जाते काम दिया, या कोई काम नहीं दिया उसके ऊपर फॉलो अप करते हैं और वो बिना बात का स्ट्रेस करते हैं, सही समय पर बात नहीं बताते, सही समय पर प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, फिर लास्ट मिनट पर सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाओ, लास्ट डे पे बताएंगे कितना टैक्स भरना है, आप सब डॉक्यूमेंट पहले भर चुके हो, सब कुछ दे चुके हो, लेकिन वो लास्ट डे पे ही काम करेंगे। और अब इट्स सो इरिटेटिंग बिकॉज आप कुछ उस समय आपको स्ट्रेस हो जाता है, ये हो जाता है, आपको उनसे इरिटेशन हो जाता है, और यू नो हाउ डू यू मैनेज दैट सिचुएशन। कई आपके कोवर्कर्स, जो हमारे कोवर्कर्स होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, सबकी कोई ना कोई विचित्र सी प्रतिक्रियाएं रहती हैं, विचित्र सी प्रकृति रहती है, और वो विचित्र प्रकृति से हमको बड़ा इरिटेशन होता है, वो हमें बड़ा इरिटेट करते हैं, और वो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं जीवन में, है ना। तो ऐसे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं घर पर, फैमिली मेंबर्स, घर पर हमारे जो बच्चे पेरेंट्स को ट्रिगर करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, पेरेंट्स बच्चों, बच्चे पेरेंट्स से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, घर के बड़े बूढ़े, घर में जो काम करने जो लोग आते हैं उनका भी अपना अपना एटीट्यूड रहता है, आज मैं बस नहीं आऊंगी काम करने, अरे भाई क्यों नहीं आई, या फिर वो घर में आगे कुछ 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 बोलते रहते हैं। तो इतने सारे ट्रिगर्स हैं, हम यू नो वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय देम, ऑलवेज हमेशा ऐसी ऐसी स्थितियों में रहते हैं जो हमारे प्रकृति के अनुकूल नहीं रहती, हमारे गोल्स के अनुकूल नहीं रहती, और वो सब अपना अपना नेचर एक्ट आउट कर रहे होते हैं और हमें स्ट्रेस हो जाता है। चलो घर में किसी के शांति है, किसी को वर्क प्लेस में इशू नहीं है, आपको रोज ट्रेन में जाते हैं वो डब्बे में जो लोग साथ में बैठते हैं वो इरिटेट होते करते हैं, या फिर आप पार्किंग करने जाते हैं, आप पार्किंग करने जा रहे हैं और तुरंत कोई आ गया वहां पे, तुरंत वो देख रहा है, आप लाइट वाइट सब फ्लैश वैश करके रखे हुए हैं, आपने इंडिकेटर भी दिया है, तुरंत कोई इग्नोर करके कोई घुस रहा है वहां पे, इरिटेटिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि आप भी जल्दी में है और आप यू आर इन लाइन फर्स्ट, है ना। या कस्टमर सर्विस कॉल करो, इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, लोन, बैंक, आप कॉल करते हैं वो जवाब नहीं देते हैं आपको, बराबर से कस्टमर सर्विस नहीं मिलती, या रोज लोन ले लो जी हमारे फोन आता है, इंश्योरेंस खरीद दो हमसे, ये फोन आते रहते हैं रोज, ये इट्स सो स्ट्रेसफुल, ट्रिगर हो जाते हैं अब। और फिर जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा मुझे ये डिश चाहिए, आप बड़ा मन लगा के बैठे हुए कि ये वाली डिश आने वाली है, और लेकिन वो वाली डिश नहीं आती है, हमने कहा मुझे बना बिना प्याज लहसुन का भोजन चाहिए, और उन्होंने ला दिया पूरा प्याज लहसुन से भरा हुआ भोजन, आप क्या करेंगे, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अपने मूड बना के आए हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आया है, कोई अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ आया है, या पेरेंट्स के साथ आया, अच्छा मूड बनाया, कोई बिजनेस मीटिंग में गया, एंड देन दिस इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो अभी कैसे आगे बढ़े हैं सिचुएशन में, राइट। और जैसे आप कई कई स्पिरिचुअल ग्रुप्स में होते हैं, या कोई किटी पार्टीज में होते हैं, या कोई आपका वॉकिंग क्लब रहता है, या लाफ्टर क्लब रहता है, वहां पे भी कुछ अजीब अजीब प्रतिक्रियाएं होती है, आप मतलब लोगों की अलग अलग प्रकृतियां होती हैं, तो आप कैसे डील करोगे, इतना ट्रिगर हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाता है। और फिर कई बार हम हमारे कोई स्टूडेंट से बात कर रहे थे संडे को, हमारा जो ग्रुप कॉल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग लेते हैं हमसे, तो उसमें से वो कह रहे थे कि मुझे ये समझ में आया कि मैं सब जगह इरिटेट हो रहा हूँ, सब जगह बस मुझे गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है। फिर हम ऐसे हमारी प्रकृति हो जाते हैं, हम हर जगह बस इरिटेट हो के हम खुद का भी सत्यानाश कर लेते हैं, सब जगह रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, हमारे शरीर का भी सत्यानाश हो जाता है। तो क्या किया जाए,
तो ये तीन पॉइंट्स क्या है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बने हुए हैं, काफी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो हमने चर्चा करी थी ये तीन पॉइंट्स की, कि ये तीन की स्टेप्स क्या है, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ये रूल्स फॉर लाइफ, ये हमें याद रखने हैं। तो ये स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स क्या है, हमारे जो जीवन की जो सुख है उसे हमारे हमें गोल्स के साथ टाई करना चाहिए, ना कि लोगों के बर्ताव के साथ, है ना। तो ये फोकस क्या है, अब आपको मैं एक थोड़ी सी कहानी बताती हूँ, है ना। तो हमारे एक क्लाइंट है जो अपने हस्बैंड के बिहेवियर से बहुत ही इरिटेटेड है ना। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, दैट इज नॉट माई आउटलुक, यहाँ पे ये हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो है कि ये बड़ी परेशान है, उनको लग रहा है कि उनका जो हस्बैंड है वो कम्युनिटी में जाके झूठ बोल रहा है, झूठी अपनी एक छवि बना के रखी हुई है उन्होंने, एक्चुअली वो वैसे नहीं है। तो अब ऐसी छवि उन्होंने बना रखी है और ये वाइफ को लगता है मुझे इतने साल मैंने पार्टिसिपेट किया इनके साथ, अब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं इनके साथ कंटिन्यू करूँ, या इनको ये झूठ बोलते हैं मुझे इरिटेशन होता है, मुझे अब इनके साथ कुछ करना नहीं है, नहीं करना है। वो ऑब्सेस्ड है, उस सारे टाइम वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचती रहती है, सारे समय यही सोचती रहती है कि अरे इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने कपड़े यहाँ रखे, उसने ऐसा किया, उसने प्लेट नहीं रखी, उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया। होंगे उनके हस्बैंड बहुत इरिटेटिंग, हम वो बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पूरा माइंड की जो एनर्जी है, जो सोचने और विचारने की शक्ति है, वो सारे इसमें ही जा चुकी है। मतलब इन्होंने अपनी बुद्धि मन सबको अपने हस्बैंड के बारे में सोचने में न्योछावर कर दिया। ऑफ कोर्स इट्स नॉट हेल्पिंग हर, बट इनकी पूरी सोच वहां पर है अब, और वो सोच से इनका कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और वो हस्बैंड के बिहेवियर से ये स्ट्रेस आउट हो रही है, क्या वो उनको हेल्प कर रहा है, नहीं हो रहा है ना। वो बार बार कुछ होता है, बार बार वो ट्रिगर होती है, बार बार उनको गुस्सा आता है, बार बार इरिटेट होती है, बार बार स्ट्रेस आउट होती है, राइट। तो अब ये ऐसा होता है, अब हम कहेंगे अरे बेचारी इनके साथ में अच्छा होना चाहिए था, अरे इनका हस्बैंड ऐसा इरिटेट क्यों करता है। अब द पॉइंट इज यस, सबको हमें सबको उनके प्रति सहानुभूति है, सब कुछ है, लेकिन एज अ कोच हमारा काम सहानुभूति जताना नहीं है ना, हमारा कोच है कि क्लाइंट आगे, हमारा गोल है कि क्लाइंट आगे बढ़े। तो अब हम इस क्लाइंट के साथ क्या करेंगे, हम उनको जो भी टूल्स हैं यू नो अपने इमोशंस फीलिंग्स के साथ डील करने के लिए, वो जो आप पॉइंट नंबर टू में सीखेंगे वो हम दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे कोच हैं बहुत अच्छे से उनको समझा रहे हैं। लेकिन जब तक इनका माइंड कोई एक पर्सनल गोल पे नहीं लगेगा, ये ऑब्सेस्ड रहने वाली है अपने हस्बैंड के बारे में, और ये बार बार यही सोचने वाली है कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, इसने ये किया, उसने वो किया, वो सारे टाइम इरिटेट हो गई, सारे टाइम वो बार बार यू नो वो पंचिंग बैग होते थे हम लोग बचपन में, ऐसे वो फुला के ऐसे सामने उसको पंच करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, पंच मी अगेन, फिर वो वापस पंच करेगा, वो पीछे गिर के वापस सामने आ रहा है, पंच मी अगेन, हमारा जीवन ऐसे हो जाता है। तो हमें इग्नोर करना सीखना है। अभी इनको अगर हम यही कहें बस आप इग्नोर करना सीखिए, वो इग्नोर ऐसे नहीं होता ना, माइंड खाली है तो माइंड को कहीं लगाना पड़ेगा तभी ये इग्नोर होगा ना, माइंड हैज टू बी एंगेज समवेयर। तो इसलिए हमें सबको अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल होने की आवश्यकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग गोल्स होने की बहुत आवश्यकता है। वो जो रिलेशनशिप है जहां से आपको बहुत त्रास मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है, वो पूरी लाइफ नहीं है। जैसे इन स्त्री ने उसको पूरी लाइफ बना रखा है, लेकिन वो सिर्फ हमारी एक पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। हमारी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे पहलू हैं हमारे व्यक्तित्व के, तो हमें उन सबको निखारना है, उन सब में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन उन सब में आगे बढ़ने की प्रेरणा तब मिलेगी जब हम सोते जागते एक मतलब एक ऐसा हमारा कोई गोल हो, उद्देश्य हो, जिसके बारे में हम सोचते रहे, जिसके बारे में हम आगे बढ़ते रहे, जिससे हमें हमारे काम हमें अच्छा लगे और हम उसमें आगे आगे कैसे लेकर जाए, ये कैसे करें। तो वो होना आवश्यक है सबके लिए। मुझे ये जो मेरा काम है, जो ये हरे कृष्णा टीवी पे जो आती हूँ मैं, या जो मेरी लाइफ कोचिंग की कंपनी है, या जो मेरी कोच सर्टिफिकेशन की कंपनी है, कोच करना, ये करना, वो करना, वर्कशॉप्स करना, कोर्सेज बनाना, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना, मेरे लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है मेरी लाइफ का। तो मैं जब उस पर फोकस रहती हूँ, मुझे समय नहीं रहता है बाकी चीज प्रोसेस करने का, कौन मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, कौन मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, मेरे पास समय ही नहीं है।
ये सब बारे में मेरे दिमाग को चलाने का। तो ऐसा आपको भी कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब आपको लगा, अरे नमिता जी आपको तो इजीली मिल गया, मुझे कोई इजीली नहीं मिला। मैंने काफी चीजें एक्सप्लोर करी, काफी चीजों को मैंने ट्राई किया और फिर मुझे समझा नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इस पे अपने आप को पूरी तरह डाल सकती हूँ। या आपका कोई जॉब है, या आपका कोई काम है, या आप कोई कला में निपुण है, आप उसमें आगे बढ़िए और उसमें पैसे मिलते हैं। मैंने ये सब जब आरंभ किया था, भाई कोई पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं नहीं सोच रही थी ना, मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये करना है बिकॉज मुझे ये करना है। अब पैसे जिसको मिलने जरूरी है, आप उस पर भी फोकस कीजिए काम को, तो उस काम में आगे बढ़िए। एक कार्य होना, एक सेवा होना, उसमें मग्न रहना बहुत आवश्यक है हम सबको, हम सबके लिए। भगवान ने हम सबको आभूषित किया है इतने अच्छे अच्छे स्किल्स से, तो उन्हें यूज करके आगे बढ़ना वो सीक्रेट ऑफ मेंटल पीस एंड सक्सेस है। और उसमें ही फिर आप जब आप कार्य क्षेत्र में रहते हैं, तब आप भगवद गीता के सारे प्रिंसिपल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बैठ के भजन नहीं होता है। तो ये हर हर एंगल से हर ये बहुत आवश्यक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर एक और देखते हैं कि एक हमारे मतलब हम जानते हैं किसी को, पड़ोस में रहते हैं, तो उनके घर में बहुत क्लेश होता था। एल्डरली लेडी है ना, 70s में बहुत क्लेश होता था, बहुत झगड़ा होता था वगैरह वगैरह। और वो बड़ी हैं तो वो जब देखती थी बेटा बहू बच्चे आपस में उनका इतना क्लेश हो रहा है, इनको बड़ी तकलीफ होती थी। और कई बार इतना बड़ा बड़ा क्लेश हो गया तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करती थी क्लेश में, एक तो वो होता था क्लेश, उनको स्ट्रेस होता था उस चीज से, फिर वो कुछ कुछ उनको भी आके बोलते थे, उनको अपने भगवान के लिए कपड़े सिलना बहुत पसंद था। तो वो क्या करती थी, जब ज्यादा जितना ज्यादा क्लेश होता था, वो उतना ज्यादा भगवान के वस्त्रों और पोशाक में एम्ब्रॉयडरी करना, ये करना, वो करना, अपने माइंड को पूरी तरह एंगेज करके रखती थी उस गोल में आगे बढ़ने के लिए। अब ये हो गया टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरली आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया, लेकिन हर टाइम फिर आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। बट अगर आपने एक अपना उद्देश्य बनाया है, और इसे कई सारे काम हो सकते हैं और कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और हर कार्य में कोई भी कार्य आसान नहीं है, सब कार्यों में अलग अलग विपत्तियां आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, एक साथ सब कुछ चलता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गोल आपको इतना, आप उससे इतने जुड़े हुए हैं कि आपको वो अचीव करना है, तो आप उस सारी विपत्तियों को, सारी विपदाओं को भी सहते सहते और उनका तोड़ निकालते निकालते सोल्यूशंस में आगे बढ़ते रहते हो। तो माइंड नीड्स टू बी अब्सॉर्ब्ड, नहीं तो आपका माइंड यही चीजों में अब्सॉर्ब रहेगा और टाइम वेस्ट होगा और आप अपने आप सत्यानाश करोगे, शरीर का सत्यानाश करोगे, अपने प्रकृति का सत्यानाश करोगे, एक बहुत इरिटेटिंग ह्यूमन बीइंग बन जाओगे अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे और अपने आप पे वर्क नहीं करोगे, राइट। तो अब ये जैसे हम ये चित्र देख रहे हैं यहाँ पे घोड़े का, तो जो घोड़े होते हैं इनके ऊपर ये आय के ये ऐसे विंडो मतलब ये लगा दिए जाते हैं कवर। तो ये घोड़ा क्या होता है, घोड़ा अपनी फिर सीध में ही चलता है, वो इधर उधर का उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। और अगर वो इधर उधर का देखे और डिस्ट्रैक्ट हो तो वो जॉकी को जो है वो उल्टा फेंक सकता है। तो जो रेस का घोड़ा होता है उसके, या जो आप ऐसे बग्गी वग्गी में भी देखते हैं, उनके साइड में ये लगाया हुआ जाता है ताकि उनको साइड का ना दिखे, ना उनको डर लगे, ना कुछ हो, ना वो डिस्ट्रैक्ट हो, बस वो आगे बढ़ते रहे। तो हमारा वो क्या है कि हम सिर्फ सामने देख रहे हैं, हम ये साइड का नहीं देख रहे हैं। अब ये नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स मिलते हैं, राइट। हम वो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन क्यों लेते हैं, ताकि जो हम मीटिंग में हैं हम उसको हमें वही सुनाई दे, या जो हम मूवी देख रहे हैं या जो हम म्यूजिक सुन रहे हैं उसका ही ऑडियो हमें सुनाई दिया जाए, बाकी सब कुछ नहीं सुनाई दिया जा रहे। तो लाइफ में जब कोई गोल होता है जिसके ऊपर हम पूरी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स के जैसे काम करता है। हमारा माइंड इधर उधर जाता नहीं है, फिर हम इधर उधर की चीजों को सुनाई भी नहीं देते, हम प्रोसेस भी नहीं करते, समय नहीं रहता सुनने का, बिकॉज हम हमारे कार्य क्षेत्र में इतने बिजी रहते हैं। तो आपका वो गोल क्या है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो माइंड बिजी रहता है, लिमिटेड माइंड सेट रहती है, आप एक्साइटेड रहते हो, और खासकर अगर वो गोल जो है लोक संग्रह से युंजित है, तब आप उसमें और ज्यादा आपको मतलब एक सुख की अनुभूति होती है। लोक संग्रह मतलब उससे लोगों का भी बेनिफिट हो रहा है, जन उद्धार भी हो रहा है, तो उसमें आपको एक और, जब आप दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं अपने जीवन से, तो हमें उसमें एक अपार सुख की अनुभूति होती है, और उससे हमें एक इंस्पिरेशन रहती है कि हम उसमें आगे बढ़ते रहें।
और फिर हम नेचुरली, क्योंकि मुझे उस पे ही फोकस करना है जहां मुझे जॉय मिलता है, तो मैं नेचुरली जो स्ट्रेसफुल चीजें, मेरा माइंड उसमें नेचुरली भी नहीं जाता है। तो ये बिंदु हमें जान लेने हैं, और ये हमें हमारे गोल्स की साउंड सुननी है हमारे नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स में नॉन स्टॉप। हमें बाकी सब चीजें कैंसल आउट कर देनी है, प्रोसेस नहीं करना है। अब ये हमारे शास्त्रों में भी उदाहरण है, जिन जिन लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेसर्स थे इनके लाइफ में, लेकिन कैसे इन्होंने अपने गोल्स पे फोकस किया और कैसे आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पर जैसे ये कुंती देवी हैं, इनके जीवन में कितनी विपदाएं हैं, राइट? वो कहती है, विपदा साधु तु संतु सरस्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् आपुनर्भव दर्शनम, राइट? आई थिंक आई रिमेम्बर द श्लोका प्रॉपरली। श्रीमद भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर में कुंती महारानी की जो प्रेयर है, वो कहती है कि अरे विपदा आती रहे भगवान, क्योंकि वो जब तक वो रहती है तब आप रहते हैं, तो जब भगवत दर्शन होते हैं तो भगवत दर्शन नहीं होते हैं, मतलब ये जो भव सागर के दर्शन बार बार नहीं होंगे अगर आप हमारे आपकी शरण में रहेंगे। लेकिन जब कुंती देवी हैं, उनका गोल क्या था? ये 5 पुत्र हैं मेरे और माद्री के, मुझे इन्हें क्षत्रिय के जैसे परवरिश देनी है, ब्राह्मण की भी परवरिश देनी है, इनको अच्छे से बड़ा करना है, धार्मिक करना है। वो उस गोल पे फोकस थी। जब उनके पुत्र बड़े हो गए, फिर वो उनके संभाल में फोकस थी, फिर आगे जाके वो अपने अपने अध्यात्म के गोल्स पे फोकस थी। तो ये गोल का फोकस होना बहुत आवश्यक है। तो इनकी लाइफ में स्ट्रेसर कम थे, कभी उनके पुत्रों के ऊपर कोई मतलब आतंक हो रहा है, कोई कुछ अटैक हो रहा है, कोई भीम को मृत्यु करने की कोशिश कर रहा है, कभी लक्षाग्रह हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी महारानी, लेकिन वो फॉरेस्ट में कितना रही है, क्या क्या नहीं हुआ है इनके साथ में, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा है कभी भी कि अरे मायूस होके, स्ट्रेस्ड आउट होके, इरिटेट होके, चीची करके, यू नो शी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय ऑल द पीपल जो स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अंदर से आत्म संयम है, क्योंकि वो अपने गोल पे फोकस्ड है, मेरा कार्य क्या है, और भगवान पे भी फोकस्ड है। अब जैसे हम श्रील प्रभुपाद को देखते हैं, श्रील प्रभुपाद का जो जीवन है, खासकर जब आप देखिए कि जब वो वृंदावन में होते हैं या जब वो दिल्ली में जाते हैं बैक टू गॉडहेड का वितरण करने के लिए, तब कितने सारे क्या क्या लोग बोलते हैं, कैसे कैसे लांछन होते हैं, कैसे कैसे लोग आके कुछ कुछ कहते हैं, परिवार के भी लोग कैसे कैसे आके उनसे बात करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक गोल है, वो उसमें फोकस्ड रहते हैं, तो वो उन चीजों को टॉलरेट कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो वो होना आवश्यक है। अब जैसे ध्रुव महाराज की हम कथा सुनते हैं कि उनकी सौतेली माँ ने कुछ अजीब सा कहा उनको, वेरी अनलविंग वर्ड्स, उनको पीड़ा भी हुई, लेकिन उन्होंने कैसे अपने आप को नारद मुनि के गाइडेंस से, गुरु के गाइडेंस से, उन्होंने कैसे अपने आप को अपने गोल पे फोकस किया। उनका इनिशियली गोल क्या था कि मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मुझे ग्रैंडफादर से भी बड़ी किंगडम चाहिए, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। तो उस पे फोकस करके उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, भगवान का नाम लेना, तपस्या करना, ये करना, वो करना। तो ऐसे करके फिर आप उन चीजों को फिल्टर आउट कर पाते हो जब आपका एक गोल बहुत क्लियर होता है। तो अब हम समझना चाहते हैं कि आपका गोल क्या है। थोड़ा यहाँ पर चैट में शेयर कीजिए कि आपका गोल क्या है। अब कई लोग यहाँ पर लिखते हैं कि मेरा गोल है कि मैं 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग अच्छे से करूँ, मैं मेरी भक्ति में आगे बढ़ूँ। यस, दोज आर गुड गोल्स टू हैव, लेकिन कुछ कार्य रिलेटेड गोल होना चाहिए। भक्ति में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी सेवा क्या है, वो कौन सी सेवा है जिसमें आप अब्सॉर्ब रहते हैं। जैसे आप हरे कृष्णा टीवी में जो इतने सारे वॉलेंटियर्स हैं और जो काम करने वाले जो भक्त हैं, उनकी नॉन स्टॉप वो उस कार्य में बिजी रहते हैं और भक्ति के साथ में उसको जोड़ते हैं। अब जो हर जो ऐसे स्पिरिचुअल एटमोसफेयर में नहीं रह पाता है, अब आप ये कहेंगे कि नहीं मैं चैंटिंग करूंगा, नहीं, आपका पूरा चैंटिंग तो करनी है हमें, वो गोल नहीं हो गया। गोल ये हो गया कि मुझे क्या सेवा करनी है अपने जीवन में, या मुझे कौन से कार्य में रत रहना है, और उसमें मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा गोल क्या है वेर यू कैन बी फुल्ली अब्सॉर्ब्ड। श्रील प्रभुपाद का गोल था भागवत पूरी ट्रांसलेट करनी है, ये बुक सब तक पहुंचानी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में मुझे ये प्रचार करना है इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को। मेरा खुद का गोल आप सबके सामने है, जो मैं कार्य करती हूँ मैं उसमें फोकस्ड रहती हूँ। आपका गोल क्या है, वॉट इज योर गोल? मैं नहीं कह रही हूँ कुछ बहुत बड़ा फैंसी होना चाहिए,
कि यू नो बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें बहुत नंबर आने चाहिए, उसमें बहुत यू नो पैसे मिलने चाहिए, या बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, हजारों की संख्या में लोगों को होना चाहिए, बट आपका गोल क्या है जिससे कि आप संतुलित रहे, आप साधना में रहे, संतुलित रहे और आगे बढ़ते रहे, वो लिखिए। अब यहाँ पे किसी ने लिखा है सपोर्ट पीपल हु आर इन नीड, यू हैव टू मेक योर गोल स्पेसिफिक ऑल्सो श्री ललिता जी, बिकॉज सपोर्ट पीपल हु आर इन नीड, मेक इट स्पेसिफिक, कौन से नीड के लिए आप अपने आप को फोकस करेंगे। जितना स्पेसिफिक होंगे, जितना फोकस रहेंगे, उतना आप उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप कभी यहाँ कभी वहां ऐसे चले जाएंगे। आपकी स्पेशल स्किल क्या है उसके साथ अलाइन होके गोल बनाइए, राइट। अब यहाँ पे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी डाइट पे एक्सरसाइज पे कंट्रोल करना, ये वो, दीज आर नॉट गोल्स। गोल्स इज मेरी लाइफ का गोल क्या है, जो आज मैं गोल बात कर रही हूँ। जब आपकी लाइफ का उद्देश्य सेट होगा ना, आप अपने आप आपकी डाइट पे कंट्रोल, आपके वेट पे कंट्रोल, हेल्थ पे ध्यान, सब अपने आप होने लगता है, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड एंड यू आर एक्साइटेड। तो ये सब टेम्पररी गोल्स है, हाँ, डाइट पे फोकस, इस पे फोकस, इस पे फोकस, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। आज जो हम चर्चा करें, देयर हैज़ टू बी अ गोल लार्जर देन लाइफ, bigger than you, bigger than your body, diet, ye wo, bigger than your family, bigger than everything. आपका goal क्या है? Goal बनाइए, focus कीजिए। अब और ये लोक संग्रह जब रहता है, benefit others outside of your immediate circle. A goal bigger than you and your immediate concerns. Diet and you know is your immediate concern. जब larger goal रहता है, तब आप immediate concerns को भी फटाफट सल्टा देते हो, नहीं तो motivation नहीं रहता है ठीक होने का। तो ये समझ के आगे बढ़िए। यस, अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर टू पे। तो पॉइंट नंबर टू क्या है कि अब ये हमने आज हमारे तीन पॉइंट्स हैं, हाउ टू इग्नोर पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। अब जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तब हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डील करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? वो सिचुएशन में डील तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपके अंदर पेट में कुछ कुछ हो रहा है, बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है, वो सब भी मैनेज करना पड़ेगा ना, ताकि आप संयम में रह पाए वो सिचुएशन में और इग्नोर करके आगे बढ़ पाए। तो ये कैसे किया जाए? तो ये मैं बहुत सारे इस पर्टिकुलर पॉइंट में इतने सारे शोज कर चुकी हूँ, और उनमें से कुछ शोज के लिंक हमने आज के शो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। टॉक्सिक पीपल के साथ कैसे डील करने का, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स से कैसे डील करना, हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू, जो लोग बार बार हर्ट करें उनके साथ कैसे डील करें, ऐसे बहुत सारे शोज कर चुके हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, तब आप उन शोज को अच्छे से सुनिए। आज हम उसका एक थोड़ा सा इंट्रो देंगे आपको, राइट। अब जब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, और ये दूसरा मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है कि ये जो टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट, आजकल हम ये जो शब्द हैं इनको बड़ा फ्रीली यूज कर रहे हैं। नाइदर यू नॉर मी आर क्वालिफाइड टू डायग्नोज एनीबडी कि इनकी क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है इनका। तो ये शब्द हमें ऐसे यूज फ्रीली नहीं करने चाहिए, है ना। हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, जो भी हो रहा है, मैं अपने आप को कैसे संभालू और कैसे मैनेज करूं, ये समझना है आपको। और इतने साल, 2 साल हो गए मुझे शोज करते हुए, इतना तो हमें अपनी थिंकिंग अब अपलिफ्ट करनी है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, है ना। तो अब ये जो फैन है, ये स्विच हमारे कंट्रोल में है, राइट। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम पंखे का स्विच ऑन कर सकते हैं ताकि पंखा ऑन हो जाए। हमें ठंडी लग रही है तब हम पंखे का स्विच ऑफ कर सकते हैं। फैन का स्विच हमारे हाथ में है ना कि नहीं है, इट्स इन आर कंट्रोल व्हेन वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कर सकते हैं, ठीक है। जो और लोग हैं उनके साथ भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन जब आप बैठे हैं तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में। अगर आप घर में बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए और आपको गर्मी लग रही है और आप एकदम हेल्पलेस हो रहे, अरे मुझे गर्मी लग रही है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा, अरे मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, अरे अरे अरे, अरे फैन का स्विच बाजू में आपके, ऑन कर लो। अरे बहुत ठंड लग रही है, अरे हाय हाय ठंड लग रही है, ठंड के मारे मारी जा रही हूँ, फैन ऑफ कर लो। फैन का स्विच आपके हाथ में है। तो आज हमारा फैन क्या है, ये पहले एक शो में मैं बता चुकी हूँ। हमारी जो फीलिंग्स हैं, जब हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, जब कोई बार बार इरिटेट कर रहा होता है, हर्ट कर रहा होता है, टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा होता है, तब हम, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उत्पन्न होती हैं अंदर, भावनाएं जो होती हैं, उसका जो कंट्रोल,
अवेयरनेस, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मुझे क्या फीलिंग हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, वो उसका भी जो स्विच, और जो हमारी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं जो इस सिचुएशन में पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही हैं, उसका भी कंट्रोल हमारे हाथ में है। फैन का कंट्रोल स्विच हमारे हाथ में है, हमारी फीलिंग्स का, हमारे अवेयरनेस का, हमारे क्या हो रहा है, और हमारी नीड्स का हमारे ही हाथ में है। वो हम सोच लेते कि नहीं, आपने ऐसा बोला इसलिए मुझे ऐसा लगा, आपने मुझे ये चीज नहीं दी इसलिए मुझे मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। नहीं, आप खुद पूरी कर सकते हैं। अनलेस यू आर अ स्टूडेंट, देन योर पेरेंट्स नो बेस्ट फॉर यू। तो ये जो फीलिंग्स है, अवेयरनेस है, और हमारी जो नीड्स है, जो उस सिचुएशन में जो हमें होता है, वो सब हमारे ही हाथ में है। उस फैन का स्विच हमारे हाथ में है, ये समझना बहुत आवश्यक है। हम, मेरी फीलिंग्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी हैप्पीनेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नीड्स का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ध्यान रखना है अपने आप का। वो कोई दूसरा कर रहा है बहुत अच्छी बात है, आई एम ग्रेटफुल। नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगी, राइट? सो अभी क्योंकि मेरी फीलिंग्स मेरी आवश्यकताएं अवेयरनेस और मेरी नीड्स इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो उस सिचुएशन में क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, सो मैं अभी इस सिचुएशन में ट्रिगर होके आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊंगी कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मुझे आर्ग्यूमेंट में जाके मेरा ही नुकसान होगा और कुछ आनी जानी नहीं है, ये बात भूल आगे मुझे बस इग्नोर करना है और अपने गोल पे फोकस रहना है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टॉक्सिक आदमी के साथ कैसे रहे, टॉक्सिक वाइफ के साथ कैसे रहे, ऐसे मैं देख रही हूँ फ्लो में, हमारे रिलेटिव ऐसे, हमारे वो वैसे, हमारे ये वो सब है। मैं नहीं कह रही हूँ वो सही है, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है, नॉट जस्ट रिएक्शन, मैं कितना अफेक्ट हो रही हूँ, होना चाहती हूँ, वो मेरे हाथ में है, मैं चूज कर सकती हूँ मुझे अफेक्ट ही नहीं होना है। ठीक है, मैंने ध्यान दिया आपका ऐसा बर्ताव है, आगे से मैं आपसे इस चीज में डील नहीं करूंगी, ये मैंने नोट कर लिया मेरे माइंड में, लेकिन मुझे अभी रिएक्ट होकर मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। यस, यहां पर अभी देखते हैं कि ये अभी ये बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिये, यहाँ पर हम टिप्स शेयर कर रहे हैं हाउ टू हेल्प योरसेल्फ। तो अभी जब आपको यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, ये सोचने के पहले कि अब मैं क्वेश्चन क्या पूछूं, आप ये सोचो कि मैं उसको अप्लाई कैसे करूं लाइफ में, राइट? अब एक और चीज आवश्यक है स्टेप नंबर टू में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ में। फैन का स्विच हमारे हाथ में है, दूसरा मुझे मेरे ट्रिगर्स को समझना है, मुझे अवेयर होना है कि मेरे ट्रिगर्स क्या है, कि जहां पे मुझे ये बटन दबाते हैं पुश मी हियर एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट, मेरे ट्रिगर्स क्या है, पुश मी हियर आई एम गोइंग टू रिएक्ट लाइक आई ऑलवेज डू, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, राइट? तो कौन सी सिचुएशंस में मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, राइट? कौन से लोगों के साथ मैं जब बैठती हूँ मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, कौन सी पॉलिटिकल आइडियाज डिस्कस होती हैं तब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, कौन सी टाइप की बातों में मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। तो ये अपने आप के बारे में आत्मदर्शन करना बहुत आवश्यक है। तो जब आपको अवेयरनेस होगी कि इन बातों में मैं ट्रिगर होके बटन दबाओ बिजली आती है, मैं नाचने लगती हूँ, वो मेरा बटन कौन सा है, कौन सा सिचुएशन, कौन से लोग, कौन से आइडियाज, कौन से पॉलिटिक्स, कौन से कॉन्वर्सेशंस, किन चीजों से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, किन सिचुएशंस में मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब वो आपको एक ज्ञात होता है अपने ट्रिगर्स के बारे में, तब आप उन सिचुएशंस में अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अपनी फीलिंग्स, अवेयरनेस और नीड्स आपके हैं। और फील ब्रीथ कंफर्ट मैं हर शो में बताती हूँ कि उस समय अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए, अपने आप को कंफर्ट कीजिए, राइट? बट अपने ट्रिगर्स को भी समझना है कि अच्छा अब ये बात होने वाली है, कोई ये कहने वाला है मोदी जी बेकार है, अगर आप उस साइड बीजेपी वाले हो तो आपको हाँ उससे आप ट्रिगर हो जाते हो, कोई कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छे, अगर आप कांग्रेस वाले हो आप उससे ट्रिगर हो जाते हो। मुझे यहाँ पे नहीं झगड़ा करना है, मेरे लाइफ के गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा आत्मसंयम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे यहाँ से निकल जाना है, कट लेना, आई डोंट वांट टू बी हियर बिकॉज मैं ट्रिगर हो जाऊंगी। अपने ट्रिगर्स को समझना आवश्यक है। अगर आप वो सिचुएशन को छोड़ नहीं सकते हो तो ठीक है, आप जैसे वीरेंद्र सहवाग है, जब वो क्रिकेट मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट बॉलर आता था तो उनको जब वो सारी फीलिंग्स आती थी कि अच्छा अब मैं इसका शॉट कैसे मारूंगा, क्या करूंगा वगैरह, वो जब अपने रनअप से बॉलर आ रहा होता था तो वीरेंद्र सहवाग अपने मन में गाने गाने लगता था, बिकॉज मुझे पता है कि अगर वो उस फियर पे फोकस करेंगे कि ये बॉलर क्या करने वाला है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, शॉट नहीं खेल पाएंगे।
माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो गाने गाने चले ओके, फिर वो शॉट पे शॉट, एंड वी नो हाउ ग्रेट अ प्लेयर ही वॉज. सो अपने ट्रिगर्स को जब आप जानते हो तब आप उन्हें मैनेज कर सकते हो. तो मुझे जब आप अभी प्रश्न लिखेंगे ना, आई विल प्रिफर कि अगर आप ऐसे प्रश्न लिखेंगे, अच्छा मेरे ये ट्रिगर्स है और मेरी ये स्ट्रैटेजी है, कैन आई इम्प्रूव माई स्ट्रैटेजी टू मैनेज माई सेल्फ, स्टार्ट कोचिंग योर सेल्फ. नहीं तो कुछ नहीं होने वाला आपका. मैं पूरे शो कर दूंगी और बाद में आप लोग फिर वही क्वेश्चन वापस पूछेंगे. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. हाँ, अभी जैसे जैसे और कई ट्रिगर्स हमारे पास से रिलेटेड है तो उनको हमें हील करना है. तो वो कैसे हील करेंगे? देखिए, फाइनली अपना ध्यान खुद को ही रखना है, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी नीड्स, आपको ही ध्यान रखना है. यहाँ पे आप ब्लेम कर करके कुछ होने नहीं वाला है, फायदा नहीं होने वाला. आपको बस एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, यस आई वाज वन अप इन दिस कॉन्वर्सेशन, मैंने बता दिया उसको, मैं जीत गई, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला आपका. तो आप जब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब आप आगे बढ़ पाते हैं. अब जैसे मैंने देखा एक परिवार में, जब वहां पर जो एक फैमिली मेंबर लाइक्स थिंग्स टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित, दूसरा फैमिली मेंबर इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, तो पहले हर टाइम उन चीजों पे क्लेश होता था. तो फिर इस फैमिली ने मेंबर ने डिसाइड किया, अच्छा इस चीज पे क्लेश ज्यादा होता है तो मैं इन चीजों के बारे में, मैं इन चीजों के डिस्कशन में ही नहीं जाऊंगी जिनमें क्लेश होता है, और मुझे चीजें ऑर्गेनाइज पसंद है, जितना मेरे से हो सकता है आई विल कीप इट ऑर्गेनाइज्ड. तो फिर जब वो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रहती हैं, वो उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ पाती. इट्स अबाउट ट्रेनिंग द माइंड, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, राइट. और ये जो सेकंड स्टोरी मैं बता चुकी हूँ वो कैसे ट्रिगर हो जाती है, वो जो हस्बैंड ने झूठ झूठ अपनी एक छवि बना रखी है अपने व्यक्तित्व के बारे में समाज में, तो वो अब धीरे धीरे उन पर्टिकुलर चीजों में नहीं जाती है जहां पर उनका जो पति है वो वैसी वाली बातें करता है, राइट. ट्रिगर होती है. या जैसे एक पत्नी है, वो अपने पति को बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, अरे तुमने ये क्यों किया, तुम लेट क्यों गए, तुम यहाँ क्यों आए, तुम लेट क्यों आए, तुम जल्दी क्यों गए, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम यहाँ क्यों गए, आज डब्बा क्यों नहीं लेके जा रहे. वो इरिटेट हो जाता था, पहले ट्रिगर हो जाता था और उसको स्ट्रेस होने लगता था, इतने सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करती है, ऐसा वैसा ये वो. लेकिन अब वो जो सवाल पूछती है वो उसका उत्तर देते हैं उनके प्रश्न का, लेकिन फिर उसके बाद में वो कंटिन्यूसली पूछती रहती है, तो वो अपना वो कहते हैं आई हैव डन माय जॉब, मुझे अभी इग्नोर करना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ट्रिगर हो गया तो मेरे को और स्ट्रेस होने वाला है. मेरा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे गोल बुला रहा है मेरा, लेट मी गो ओवर देयर. एक गोल नहीं होगा आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आप ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड कुछ नहीं कर पाएंगे. गोल होगा तब आप ग्रो करना चाहते हैं, टाइम सही में यूज करना चाहते हैं. और इससे धीरे धीरे आपको एक डिटैचमेंट भी आता है सिचुएशंस और ये चीजों का, मुझे इन बातों में पढ़ना ही नहीं है, राइट. मुझे इन बातों में डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं है, ना मुझे कुछ करना है. तो जब वो आप उस कंपटीशन में ही नहीं है कि कौन क्या जीत रहा है, कौन सा कॉन्वर्सेशन हो, अगले वाले को भी मजा नहीं आता है, देयर इज नो गुड फाइट हियर, कोई मजा ही नहीं है, लड़ता ही नहीं है, लड़ती ही नहीं है, तो वो लोग भी अपने आप चुप हो जाते हैं. या तो आपके ट्रिगर्स क्या है जरा मुझे ये बताइए. यहाँ पर रीति जी एक अच्छा पॉइंट कह रहे हैं, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर. आई रिमेम्बर यू ऑलवेज से इफ यू गेट ट्रिगर्ड देन इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज समथिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन दैट लेट यू टू गेट ट्रिगर्ड. यस, इट रियली हेल्प्स. सो आपकी जो कौन सी नीड है जो सैटिस्फाई नहीं हो रही है, मेरी नीड है एवरीवन शुड बिलीव मोदी जी इज द बेस्ट, या मेरी नीड है एवरीवन शुड बिलीव कांग्रेस इज द बेस्ट, तभी आप ट्रिगर हो रहे हो, आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है. थैंक यू फॉर द नाइस रिमाइंडर, राइट. और ये कि ये अब यहाँ शिवानी जी कह रही हैं कि मुझे अब समझ आने लगा है कि इन चीजों से मैं ट्रिगर होती हूँ तो मैं वहां से निकल जाती हूँ, सो आई कैन इग्नोर एंड अपने गोल पे फोकस रहती हूँ. अब यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर ये देखिए पूनम जी ने इतना अच्छा बताया है. पूनम जी हमारे साथ काम भी करते हैं, हम साथ में काम करते हैं. उन्होंने एक अच्छा बताया कि जब वो ऐसे ट्रिगर वाली सिचुएशंस में थे, स्ट्रेसफुल लोगों के साथ में थे, उनका फोकस एक ही था, मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और मुझे उसमें अच्छा करना है, और उन्होंने उस पर फोकस करके अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाया उसमें, राइट. सब टाइप के ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस पे. अब जसप्रीत जी कह रही है मैं फॉल्स एलिगेशन पे मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, और कोई पल्लवी जी कह रही है मैं ट्रिगर हो जाती हूँ जब मेरे साथ से कुछ एग्जाम में कोई ज्यादा अच्छे से कर रहा था मैं जेलस हो जाती हूँ, या जब कोई मुझे अनवॉन्टेड एडवाइस देते हैं मैं ट्रिगर हो जाती हूँ. गुड, अच्छा है. तो अभी इन ट्रिगर्स को आप हैंडल कैसे करेंगे, इनके बारे में अभी ये अवेयरनेस आ गई, तो नाउ आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप हैंडल कैसे करेंगे इन ट्रिगर्स को. यस, सो एग्जांपल्स,
मैं जब अनवांटेड एडवाइस मिलती है मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। तो ये सोचिए, ठीक है, ये इनकी नीड है, ये एडवाइस देना चाहते हैं, ये कुछ मेरा भला ही सोच रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर द एडवाइस, थैंक यू। मन में ये सोचो कि मेरे लिए कंसर्न है, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते मुझे, आई एम सो हैप्पी कोई मेरे बारे में सोच के कुछ दे रहा है, चाहे मुझे पसंद आ रही है बात नहीं पसंद आ रही, बट इतना इनको इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में, दैट इज अ ब्लेसिंग आज के युग में, थैंक यू सो मच। राइट, अब ये जैसे फॉल्स एलिगेशन पे मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, जसप्रीत जी, अच्छा ये अभी एक फॉल्स एलिगेशन आ रहा है, मुझे अब ट्रिगर होने वाला है, मुझे अब स्ट्रेस आउट होने वाला है, मैं लड़ने वाली हूँ, मैं चीजें उठा के फेंकने वाली हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वॉट एवर इज हैपनिंग, आपको पता चल गया आपका कैसा रिएक्शन है। अच्छा अब ये फॉल्स एलिगेशन आ रहा है, ठीक है, बहुत पेनफुल है कि ये लोग मुझे समझते नहीं है जैसे मैं चाहती हूँ ये मुझे समझे, लेकिन मुझे पता है और मेरे जो क्लोज सर्कल है उनको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं उसमें ही सेटिस्फाई रह के कि माइंड में एटलीस्ट कुछ लोग तो मुझे सच्चाई से जानते हैं और मैं उसमें सेटिस्फाई होके मैं ट्रिगर नहीं होंगे, ठीक है, इनको जो सोचना है सोचे, लेट मी मूव अहेड, मैं जानती हूँ, भगवान जानता है, मेरे लोग जानते हैं, इनको मैं समझा समझा के थक गई हूँ, नहीं समझने वाले, छोड़ आगे बढ़ो, मेरा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जसप्रीत जी, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर गोल, राइट, तो ये थोड़ा बताइए। तो ऐसे अभी मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दिए अपने ट्रिगर्स को कैसे समझ के, अपने आप को थिंकिंग चेंज करके कैसे आगे बढ़ना और अपने गोल पे फोकस करना है। तो जिन जिन्होंने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए हैं, अभी आप अपने माइंड को कैसे हैंडल करेंगे वो सिचुएशन में और स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, वो आगे बढ़िए। राइट, सो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं शो में। तो जब आप, अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मुझे ये सिचुएशन मैनेज करना सिखाओ नमिता जी, जब मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे बोलते हैं मैं क्या करूं, जब मेरे वाइफ ऐसे बोलते हैं मैं क्या करूं, जब मेरे, और कई लोग जो हमारे कोचिंग प्रोग्राम्स में आते हैं क्लाइंट बनते हैं वो भी, उनको बस सिचुएशनल हेल्प चाहिए रहती है। तो हम क्या कहते हैं उन्हें, पहले आप अपने अंदर की सिचुएशन में संयम लाइए, नहीं तो आप सिचुएशन को मैनेज करने जाएंगे, आपका आत्मसंतुलन नहीं है तो वो सिचुएशन अगर आपके हिसाब से जैसे आप मैनेज करने गए वैसे नहीं टर्न आउट हुई, आप फिर भी ट्रिगर होने वाले हैं और आप सत्यानाश करने वाले हैं। तो इसलिए पहले अपने आप पे कंट्रोल लाइए, फैन का स्विच आपके हाथ में है, आपके ट्रिगर्स पे नहीं रिएक्ट करने का स्विच भी आपके हाथ में है, तो वो जान के आगे बढ़ते रहिए। यस, उस समय रिएक्ट करेंगे, आपको लगेगा कि आप वन अप हो रहे हैं, आपकी ये नीड सेटिस्फाई हो रही है जैसे वृत्ति जी ने कहा, लेकिन वो वन अप होके टाइम वेस्ट होता है और वो अगला आपको कभी वन अप नहीं होने देने वाला है, वो मास्टर है, चैप्टर है वो वाला युद्ध जीतने में। तो आपको युद्ध खेल में जाना है या नहीं लड़ना है, कौन सा युद्ध लड़ना है भाई, मैं मेरे गोल्स के युद्ध में आगे बढ़ूं वो मेरे मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। राइट, तो जब आप अपने आप के फीलिंग्स, अवेयरनेस और नीड्स और अपने ट्रिगर्स के कंट्रोल में रहते हैं, अपने आप के संयम में रहते हैं, तब आप सिचुएशन को असर्टिवनेस के साथ अच्छे से अपनी बात भी रख सकते हैं विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। आपकी बात में एक वजन भी रहता है, एक पावर रहता है, तो अगला इंसान समझ भी जाता है। अभी आप खुद ट्रिगर होके, रिएक्ट होके, इमोशनल होके जब बोलते हैं अगले को, आप वीकली आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन मैनेज करने से पहले अपने आप को मैनेज करना सीखिए, तब आगे बढ़िए। यस, अब ये शास्त्रों में जो एग्जाम्पल है, ये मैं दो तीन बार ये स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ, आज भी शेयर करती हूँ, ये चित्र देखकर आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो ये जैसे जब दक्ष के प्रजापति का जब एक सेरेमनी होती है, तब वहां पर वो बहुत इंसल्ट करता है शिव जी को, लेकिन शिव जी ट्रिगर नहीं होते हैं, वो वहां से उठ के चले जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग, उनके जो शिव जी के फॉलोअर्स है वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो कुछ बोलते हैं, फिर दक्ष के फॉलोअर्स ट्रिगर हो जाते हैं, और ट्रिगर ट्रिगर में ट्रिगर ट्रिगर में बहुत ट्रिगर हैप्पी होके वो लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा शारीरिक हानि पहुंचाने लग जाते हैं। राइट, तो ये शिव जी ने ट्रिगर नहीं हुए, अपना निकल वहां से चले गए इग्नोर करके, उनको अफेक्ट ही नहीं हुआ कुछ, बिकॉज उनका दूसरा ही गोल है, अलग ही कार्य क्षेत्र है, वो ये सब चीजों में, हाँ ठीक है ऐसा होते रहता है, आगे निकल लिया अपना। राइट, शिव जी भगवान है, मतलब वो अपने आप को, वो अलग ही, उनका माइंड अलग ही जगह पर है। राइट, उनका जो ध्यान है वो, तो अब जैसे फिर दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ रखता है, आयोजन करता है, अपनी सब बेटियों को, रिलेटिव्स को बुलाता है, सती देखती है शिव जी की जो पत्नी है, दक्ष की बेटी है, कि अरे सब जा रहे हैं, मेरा भी मन है सबसे मिलूंगी, शिव जी उनको वॉर्न करते हैं कि आप मत जाइए, आपको आप ट्रिगर हो जाएंगे उस सिचुएशन में, जब वो मुझे इंसल्ट करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, आंशी लाइक नहीं नहीं मैं कर लूंगी ऐसा नहीं है वो, बट वो जाके वहां ट्रिगर हो जाती है उस सिचुएशन में। राइट, वो नहीं मैनेज कर पाती है अपने आप को। तो एनीवे, ये लीला है, हम नहीं यहाँ पे जज करने वाले हैं कि अरे पार्वती जी, सती जी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाई या शिव जी अपने आप को मैनेज कर पाई, ये सब
ये सब इस मतलब संसार के परे हैं, जो भौतिक जगत के परे हैं, ये पूजनीय है, लेकिन हम इनसे सीखते हैं, इन बातों से। तो देखिए, जब आप ट्रिगर नहीं, आपको अपने ट्रिगर पता, आप ट्रिगर नहीं होते हैं तो कैसा सिचुएशन होता है, और जब आप ट्रिगर होते हैं तब कैसा क्या हो जाता है। तो ये थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ पर काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, और अच्छे से हो रहा है। अगर आपको फोटो क्लियर नहीं दिख रही है पूजा सिंह जी, देन यू हैव अ बैंडविड्थ इशू, बिकॉज मुझे लग रहा है सबको क्लियरली दिख रही है। और यहाँ पर अब हम ये देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि रिमेंबर द रूल्स। तो हमने क्या बातों की चर्चा करी है अभी तक, हमने ये सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस किया, राइट? ये जो तीन की स्टेप है, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। अब ये रिमेंबर द रूल्स फॉर लाइफ, जब हम ये समझ लेते हैं ना बातें, तब हम इतना अफेक्ट नहीं होते हैं। हमारा सारा प्रॉब्लम यही है कि अरे इसने ऐसा बिहेव किया तो किया कैसे मेरे साथ, इसने ऐसे बोला तो बोला कैसे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको मुझे समझना चाहिए, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये हमारे इतने सारे हमारे रूल्स हैं कि लोगों को कैसा होना चाहिए, लेकिन ये रूल कहाँ से आए हमारे माइंड में? किसने प्रॉमिस नहीं किया था बेटा आपने जन्म लिया है लोग ऐसे होंगे, तो इसलिए आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ चलिए कि लोग ऐसे होंगे। ऐसा कहाँ लिखा है कि लोग ऐसे परफेक्ट होने वाले और बिहेव परफेक्ट करने वाले, कहीं पे नहीं है। तो हमें कुछ रूल्स याद करना है जीवन के, वो हमेशा माइंड में रखते हुए आगे चलना है। तो जब वो होता है ना, तब हम डिफेक्ट अफेक्ट नहीं होते हैं, राइट? सो कीप काम एंड फॉलो द रूल्स। लोग आपको समझने नहीं वाले, 100% कोई आपको समझ ले, कोई आपसे एम्पथी कर ले, सिंपथी कर ले, आपको पूरी तरह समझ जाए, आपके अंदर बाहर एवरीथिंग सब समझ ले, वो 100% पॉसिबल नहीं है। ये गारंटी है लाइफ की, है ना। और जब आप अकेला फील करते हो ऐसी सिचुएशंस में, जब आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, वो बहुत नॉर्मल बात है, सबके साथ ऐसा होता है। आप ही अकेले नहीं फील कर रहे हो ऐसा, या आप ही अकेले ऐसे नहीं हो जिनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, सबके साथ ऐसा होता है। कोई छोटी सी छोटी पदवी पे हो या कोई बड़ी से बड़ी पदवी पे हो, ये बात सबके साथ होती है, ये नॉर्मल है। ये रूल याद कर लेना है लाइफ में कि ऐसा ही होता है। अगर किसी ने कुछ किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और हमें बिटरनेस नहीं लानी है लोगों के प्रति, ये क्योंकि ये समाज का, ये संसार का नियम है ऐसा, राइट? लोग आपके अगेंस्ट नहीं है। हमें लगता ना, अरे मेरा ये वाला काम था, इसने आके मुझे रोक दिया, या इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया इसलिए मैं आगे नहीं पढ़, अरे वो मेरे अगेंस्ट है, मुझे हमेशा रोकते ये करते। वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो फॉर देमसेल्व्स है। तो वो आपको क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो अपना लाभ देख रहे हैं। तो हम जब इसको पर्सनली ले लेते हैं ना कि अरे ये हेट करते हैं मुझे, मुझे रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो फॉर देमसेल्व्स है। तो उस अंधेपन में, खुद के अंधाधुन अपने आप पे फोकस्ड रहने में, वो नहीं देख पाते हैं कि वो कैसे आप हर्ट हो रहे हो, कैसे आप अफेक्ट हो रहे हो, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, और हमारे कारण भी लोगों को कुछ हो रहा होगा, हम परफेक्ट बींग्स नहीं है। तो ये समझना है, लोनलीनेस इज नॉर्मल, मैं बात कर चुकी हूँ। और आप अपने आप पे वर्क करते रहेंगे, काम करते रहेंगे अपने आप पे, लेकिन आप फिर भी ट्रिगर होते जाएंगे, वही सिचुएशन में ट्रिगर होंगे, लेकिन डिग्री ऑफ ट्रिगर कम होगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन कम होगा। और हर टाइम आप ट्रिगर होंगे, आपने शो सुन लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन आप फिर ट्रिगर हुए, तो उस समय ये हताश नहीं होना है, उस समय ये होना है कि ठीक है मैं कुछ आगे बढ़ी हूँ, अब मैं ट्रिगर हो रही हूँ सिचुएशन में, तो अब मेरा क्या चीज़ पे काम करना बाकी है। और कई बार आप बहुत अच्छे से उस पर काम कर लिए और आप बहुत समय तक ट्रिगर नहीं हो रहे हैं उस पर, 10-15 बार ट्रिगर नहीं हुए, 5-6 साल तक ट्रिगर नहीं हुए, सडनली आप फिर वही बात पे ट्रिगर हो जाओगे। तो उस समय भी अपने साथ खड़े रहना, एक्सेप्ट करना, अपने आप को संभालना, धाड़स बंधाना और आगे बढ़ना, ये आवश्यक है, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट बींग्स। तो इसका अर्थ ये है कि चेष्टा ही ना करें, नहीं, चेष्टा कीजिए, क्योंकि इससे आपका सुधार होगा, इससे आपका शरीर अच्छा चलेगा, माइंड अच्छा चलेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। लेकिन ये एक रूल ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कर लो कि आप ट्रिगर होंगे और जीवन में आप होते रहेंगे, और आपका ये जो तीन स्टेप्स बताए हैं, इसको बारे में हमेशा सोचते रहना, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए
ये करते रहना पड़ेगा, ये जो काम है, अपनी फीलिंग्स, अवेयरनेस, नीड्स, अपने ट्रिगर्स को समझना, अपने आप को चेंज करना। और जब ये ट्रिगर्स को हम समझते हैं, और उस समय हम अपने आप को एक बार समझाने से नहीं होता है, वो आपको रोज चेकिंग करनी पड़ती है अपने आप की, अच्छा आज ये ट्रिगर में मैंने कैसे बिहेव किया, आज अच्छा आज क्या कमी रह गई थी, अच्छा आज मैंने अच्छा कैसे किया, अच्छा कौन सी पॉइंट ने मुझे हेल्प किया। ये जैसे हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, या जब हम भोजन बनाते हैं, या जब हम बेकिंग करते हैं, या जब हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, हम उसको कॉन्स्टेंटली हम देखते रहते हैं ना कि हाउ टू मेक इट बेटर, हाउ टू मेक इट बेटर। तो वैसे ही इसमें भी हमें काम करते रहना पड़ता है। और लोग बदलते हैं, लोगों का नेचर बदलता है, लोग चेंज होते हैं। कभी कोई बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहा था, सडनली उसका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है, या सडनली कोई बहुत बेकार बिहेवियर कर रहा था और उसके साथ में बाद में बर्ताव अच्छा हो गया है। तो अगर आप लोगों के बिहेवियर के साथ में अपना उतार चढ़ाव करने वाले हैं, अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, अपने हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का, तो यहाँ पर ये एक स्टेबल फाउंडेशन नहीं है, ये आधारशिला अपने सुख की, अपने खुशी की, लोगों के इमोशंस और लोगों के बिहेवियर को, अपने कि कैसे वो आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, उसको अपने सुख की आधारशिला बनाकर आगे बढ़ना, ये बेवकूफी है। क्योंकि लोग बदलते हैं, लोग भी ट्रिगर होते रहते हैं, लोग को भी कुछ कुछ होते रहता है। कई बार हम ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं, शरीर में पित्त बढ़ जाता है, वो पित्त बढ़ने से हम ट्रिगर हो जाते हैं, जिस चीजों में हम ट्रिगर नहीं होते हैं, ऐसा उनके साथ भी होता है, वो भी हेल्पलेस है। जैसे आप हेल्पलेस हो, आप ट्रिगर होते हो, वैसे वो भी हेल्पलेस है, वो भी ट्राई कर रहे होते हैं या नहीं ट्राई कर रहे होते हैं, बट सबके ट्रिगर्स रहते हैं, सबके पॉइंट्स रहते हैं। तो और लोग बदलते हैं, तो उनके उतार चढ़ाव के साथ जैसे वो आपको देखते हैं या बिहेव करते हैं, उससे आप ऊपर नीचे खुश हो रहे हो नहीं हो रहे हो, ये बेवकूफी है। अपनी खुशी अपने गोल्स में और अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाइए, अपने अध्यात्म में, अपने ज्ञान में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, उसमें अपनी खुशी लाइए, अपने कार्य में आगे बढ़ने में खुशी लाइए। ये सब चीजों में क्या आप ऊपर नीचे हो रहे हो, लव्स मी नॉट, बिहेव्स प्रॉपरली विद मी, बिहेव्स प्रॉपरली विद नॉट, हु केयर्स। वो ठीक है, वो भी है, वो भी जीवात्मा है, वो उनके भी ट्रिगर्स हैं, छोड़ो आगे बढ़ो। आत्म प्रेम इतना स्ट्रांग रखो कि ट्रिगर ये सब चीजों में नहीं पड़ो। अब ये जो मैंने आपको अभी जो पॉइंट बताया है, पीपल वो अगेंस्ट आपके नहीं है, वो फॉर देमसेल्व्स है। धृतराष्ट्र, हमें लगता है पांडवों के अगेंस्ट था, पांडवों के अगेंस्ट नहीं था वो, ही वॉज फॉर हिमसेल्फ। मुझे राजगद्दी पे बैठना है, मेरा पुत्र राजगद्दी पे बैठेगा, उस गोल थे उनका। वी शुड लर्न गोल कैसे फॉलो करना है इन लोगों के साथ में, राइट? तो वो उस गोल को फॉलो करते करते फिर वो सब लोग उनके उनको फिर वो सब ऐसे डिस्टर्बेंस लगते हैं, तो इसलिए फिर वो उनको त्रास देते हैं, राइट? सिमिलरली विदुर जी, विदुर जी ने जब ऐसी बात कही महाभारत के राज दरबार में, और बोला कि तुम ये, मतलब जो कृष्ण भगवान कह रहे हो बात सुनो, तुम ये युद्ध में मत जाओ, गलत है, तुम हार जाओगे, पांडव है, कृष्ण है, हारने वाले। तो उनको कैसे इंसल्ट करके निकाल दिया गया। तो कोई ये हर्ट हो सकते ना, अरे मैं तो मंत्री था, मैं तो भाई था, मुझे कैसा ट्रीट किया इन्होंने, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं, उनको समझ में आया वो मेरे अगेंस्ट में नहीं है, वो अपने फॉर अपने आप है, तो उसके लिए वो मेरे साथ कट सकते हैं, राइट? ये एक जीवन का रूल समझ के आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी को कितने सारे लोगों ने सहायता दी, कितने सारे लोगों ने सहायता नहीं दी, कितने सारे लोगों ने साथ दिया, कितने सारे लोगों ने डिस्टर्ब किया, लेकिन प्रभुपाद ने उसे पर्सनली नहीं लिया और वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। इसलिए गोल होना बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखना, अपने ट्रिगर्स को समझना, उनको चेंज करना, उन पे वर्क करना जरूरी है, और ये रूल्स फॉर लाइफ रिमेम्बर करना जरूरी है कि लोग आपको नहीं समझने वाले। 100% सिंपथी, एम्पथी, आपको कोई समझ ले, ये बोले, कोई भी रिश्ते में वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक रिश्ते में पॉसिबल है, और वो है भगवान के साथ। सिर्फ भगवान है जो हमें पूरी तरह हर वे में, एक सही वे में हमें समझ सकते हैं, और कोई इस जगत में केपेबल नहीं है। तो वो एक्सपेक्टेशन रखना, अपेक्षा रखना, वो हमारे लिए हानिकारक है, राइट? दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे आर फॉर देमसेल्व्स। लोनलीनेस इज नॉर्मल, आप ट्रिगर होने वाले हैं और आपको बार बार अपने आप पे वर्क करना है, और लोग चेंज होने वाले हैं। तो ये रूल्स की हमने गांठ बांध ली क्या? चलो मुझे बताइए चैट में, क्या ये रूल्स को हम समझ पाए हैं, क्या ये रूल्स को हमने गांठ बांध ली है क्या? यहाँ पर अनिंद्या ब्योहर जी का जन्मदिन है, आप सबको हमारी तरफ से अनिंद्या जी, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भगवान से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं
कि वो आपके ऊपर सुख समृद्धि खुशहाली स्वास्थ्य अच्छे रिलेशनशिप्स और अच्छे से आप आगे बढ़े और भक्ति में भी आगे बढ़े, इसमें आप आगे बढ़ते रहिए। और सब मैं चाहती हूँ कि चैट में आप सब अनिंद्य जी को अच्छे से बर्थडे विशेष दीजिए, उनका आज बहुत अच्छा जन्मदिन है, वो हमारे साथ आज बैठे हैं इतने शाम के समय बर्थडे के दिन, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यस, तो थैंक यू अनिंद्य जी फॉर शेयरिंग और हमें ये चांस देने के लिए कि हम आपके साथ में आपके बर्थडे में के समारोह में हमें भी शीघ्र किया आपने, मतलब शीघ्र नहीं किया मतलब हमें भी अंदर आने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वेस्टर्न कल्चर वर्सेस सनातन धर्म, एक हमें अपने कल्चर की एक बात समझनी है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज पे, टॉक्सिक पीपल, रिलेशनशिप्स, माई लाइफ माई रूल्स, और ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो कॉमेडी के चक्कर में हमारे कल्चर को तहस नहस कर रहे हैं, कई जो रूटेड कॉमेडियंस नहीं है स्टैंड अप कॉमेडियंस, राइट। तो ये जो चीज है कि अच्छा मुझे ये इंसान बहुत स्ट्रेस दे रहा है तो लेट मी कट देम आउट ऑफ माई लाइफ, मुझे इन्हें अपने जीवन से निकाल देना है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मुझे पेरेंट्स से कट ऑफ होना है, मुझे भाई बहन से कट ऑफ हो जाना है, मुझे इससे कट ऑफ हो जाना है, अरे वो नेबर से बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति इंटीग्रेशन की है, हमारी संस्कृति साथ में रहने की है। तो हम अपने जीवन से लोगों को कट ऑफ नहीं करते हैं, हम ये तीन पॉइंट्स करते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सके रख सकें, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन, अगर हम वेस्ट की बातें मानना चाहते हैं जो कि अमेरिका इज द रूलर ऑफ दैट, राइट, अगर आप फिर भी यूरोप में जाएंगे, आप मिडल ईस्ट में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, साउथ अमेरिका में जाएंगे, इवन ईस्टर्न एशिया में जाएंगे, फैमिली वैल्यूज, रिलेशनशिप वैल्यूज, इंटरकनेक्टेडनेस की जो वैल्यूज है वो इंटैक्ट है। ये सब का बोलबाला ज्यादातर अमेरिका से आता है। अगर आप वो सोसाइटी फॉलो करना चाहते हैं, बिफोर यू फॉलो लेट मी कट दिस पर्सन आउट, लेट मी कट दैट पर्सन आउट, आप ये देखें कि वहाँ पे लोनलीनेस कितनी हाई है, वहाँ का सुसाइड रेट कितना हाई है, वहाँ पे जब कितने लोगों की जब मृत्यु हो रही होती है वो अकेले मर रहे होते हैं टीवी देखते देखते हॉस्पिटल में, मैंने खुद देखा हुआ है, देयर इज नोबडी टू कम देयर बिकॉज उन्होंने सबको कट ऑफ कर लिया अपनी लाइफ से, राइट। और वो जो सिविलाइजेशन है, वहाँ का जो सोसाइटी का अरेंजमेंट है वो कैसा है, और क्या लोग उसमें पनप पा रहे हैं मेंटल हेल्थ में, ठीक है आपको लग रहा है रोड बहुत अच्छी है, हवा साफ है, ये है वो है, उसके आगे उस सोसाइटी का लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है, लेवल ऑफ मेंटल एंड इमोशनल पेन क्या है। तो हमारी ये संस्कृति कट ऑफ करने की नहीं है, तो प्लीज़ आप जब वो वीडियोज़ देखते हैं आप थोड़ा अपनी संस्कृति के हिसाब से, अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं बट वो आप अपने संस्कृति अपने ट्रेडिशनल रूट्स के हिसाब से फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप अपने कल्चरल रूट से ब्रेक ऑफ हो जाएंगे आपका पतन होने वाला है, बिकॉज यू हैव नथिंग टू फॉल बैक टू, आपको कुछ नहीं रहेगा बचने के लिए। तो जो पॉइंट्स अच्छे लगे वो फॉलो कीजिए, बट ये रिलेशनशिप कट ऑफ वगैरह करना ये मतलब इट्स नॉट राइट। कुछ बहुत ही ज्यादा अब्यूज हो रहा है वो बात अलग है, बट हमारी संस्कृति ऐसे नहीं है, इंटरकनेक्टेडनेस इज इंपॉर्टेंट, खासकर फैमिलीज में ये इंटरकनेक्टेडनेस, जब हम किसी को काट देते हैं फैमिली से, हम निकाल देते हैं, हम बातचीत छोड़ देते हैं या कोई हमसे बातचीत छोड़ देता है, तो आपके जो फैमिली कॉन्स्टिलेशन की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उससे फिर कई टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मैं 4 शोज में फैमिली कॉन्स्टिलेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा कर चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और आप देखेंगे पितृ दोष, पितृ ऋण एंड फैमिली कॉन्स्टिलेशंस, उसमें मैंने इन पॉइंट्स की बहुत चर्चा करी है। कट ऑफ होना इज नॉट हेल्दी एंड द अमेरिकन सिविलाइजेशन इज पेइंग अ प्राइस फॉर इट। सो एंड यू सी दैट यूरोप में भी बहुत सारे लोग अपने पेगन रिलीजन को वापस स्वीकृत कर रहे हैं। इट इज अ नंबर 3 रिलीजन नाउ, पेगनिज्म, जो पहले उनके जो पहले का रिलीजन था, जिसमें वो भी बहुत सारे देवी देवताओं को मानना, यूनिवर्स की एनर्जी को मानना, डिवाइन सुप्रीम लॉर्ड को मानना और कैसे आगे बढ़ना, वो सब अभी उस इंटरकनेक्टेडनेस पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक इनसे कटोगे, फिर आपको वो अपने देवी देवताओं से आप कटोगे, आपको फिर लगेगा कि सब जगह से मुझे कटना ही है, देयर इज ओनली वन थिंग, राइट। तो ये आपको हेल्प नहीं होने वाली है इससे, क्योंकि फिर आप अपने रूट से कटोगे, फिर आप जब स्ट्रेस आउट होगे, आप जब डिस्टर्ब होगे, आप किन चीजों पे फॉल बैक करोगे, आप अपने कल्चर से ही कट ऑफ हो जाओगे अगर आपने ये सब लोगों से कट ऑफ होना शुरू कर दिया तो।
तो ये सोचना बहुत आवश्यक है, और अपनी इंटरडिपेंडेंस को भी रिकग्नाइज करना. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ मेड मैन और अ वुमन. ये एक वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है. देर इज नो कॉन्सेप्ट, देर इज नो सेल्फ मेड मैन, देर इज नो सेल्फ मेड वुमन. इट इज इम्पॉसिबल. तो आपके क्या माँ बाप क्या कर रहे थे जब आप बचपन में थे, आप छोटे थे, तो आपके माँ बाप आपका लालन पोषण कर रहे थे. हाउ हाउ कैन यू बी सेल्फ मेड? या जो सब नवग्रहों की जो ब्लेसिंग्स है, जो कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, जो सब देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स है, जिनके कारण हमारा शरीर चलता है, सब कुछ होता है. देर आर फाइव कॉजेज ऑफ एक्शन ऑल्सो भगवद गीता में बताया गया. तो आप कहाँ से सेल्फ मेड हो गए? गुरु की ब्लेसिंग्स जो होती हैं, टीचर्स की जो ब्लेसिंग होती है, हमें जो इतना सपोर्ट मिलता है हमारे पर्यावरण से, हमारे जो लोग हैं आसपास, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो लोग हैं जो हमारे घर में जो काम करते हैं या जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे. इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट. उसमें फिर आप रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हो कि इतने लोगों का सपोर्ट है, जबकि हमारी संस्कृति ये है कि हम श्राद्ध में उस पेड़ का भी श्राद्ध करते हैं जिससे हमें छाया मिली, उस गाय का भी श्राद्ध करते हैं जिसका हमने दूध पिया. ये लेवल तक हम इंटरकनेक्टेडनेस को समझते हैं. तो ये इंटरकनेक्टेडनेस को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है. जैसे आप काटोगे, आपका फैमिली कॉन्स्टिलेशन डिस्टर्ब हो गया, एनर्जी सपोर्ट कम होगा, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी. तो रिमेंबर योर कल्चर एंड देन टेक द गुड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट, बट अपने कल्चर को याद रखते हुए आगे बढ़िए. तो ये एक पॉइंट बताना आवश्यक था. और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ना भी बहुत आवश्यक है. जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होती है. ये रोज की छोटी छोटी तुतु मेमे से आपको समझ में आता है, अरे मेरा ये एक ही जीवन नहीं है, पता नहीं मैं कितने जीवनों से मतलब कितने जीवन मेरे हो चुके हैं, कितने आगे होने बाकी हैं, तो मैं इसी चीज़ में जूम इन करके बैठी हुई हूँ. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, मुझे याद ही नहीं है मैं क्या क्या चीज़ों में जूम इन किया था पहले, पिछले लाइफ में या 5 साल पहले या 5 मिनट पहले, राइट? तो वो स्पिरिचुअलिटी से एक परमानेंस इटर्नल के साथ कनेक्शन होने से एक एक ठहराव आता है आपके व्यक्तित्व में, जिससे कि आप इस उतार चढ़ाव, ये जो तुतु मैं स्ट्रेस ये वो, उससे आप इतना डिस्टर्ब नहीं होते हो और अपने अपने गोल्स को भी स्पिरिचुअलाइज कर पाते हो, अपने फीलिंग्स एक्शंस अवेयरनेस नीड्स अपने ट्रिगर्स को भी एक स्पिरिचुअल वे में भी डील कर पाते हो, नॉट जस्ट साइकोलॉजी अलोन. और आप अपने आप को ध्यान रख पाते हो और आपको जीवन के और बहुत सारे रूल्स समझ में आते, तो आप सरप्राइज नहीं होते हो. धीरज तत्र न मुह्यति, राइट, देहिनोस्मिन यथा देवे. मतलब जिसको स्पिरिचुअलिटी अच्छे से अध्यात्म का ज्ञात हो गया, जब वो किसी की डेथ होती तो वो उतना धीरज तत्र न मुह्यति, वाइस पर्सन इज नॉट डिस्टर्ब्ड. वैसे करके आपको और बहुत सारे जीवन के रूल्स समझ में आते हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते हो और आपको मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, राइट. द 15th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि द लिविंग एंटिटी इज स्ट्रगलिंग विद द 6 senses इंक्लूडिंग द माइंड. तो आपको समझ में आता है ये मेरी सिचुएशन नहीं है, सबकी सिचुएशन यही है. तो एक कंपैशन आता है, एक पेशेंस आता है और हम थोड़ा राइज करते हैं. तो इसलिए अपने भगवान से कनेक्ट कीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इससे आपका एक आगे आप बढ़ेंगे, आप अपलिफ्ट होंगे, इन चीज़ों से आप इग्नोर कर पाएंगे. बट अगर आपको लगता है ये सब चीज़ों को साथ में करके हमें आगे बढ़ना है, यस, तो ये ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए. अगर हमारे पास समय रहा, जो कि नहीं लग रहा है, देन द प्लान वॉज टू डू अ गाइडेड विजुअलाइजेशन आफ्टर Q&A, लेकिन अभी ये थोड़ा लंबा चल गया है शो, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे Q&A पे. तो अब हम स्लाइड शेयरिंग बंद करते हैं, हम आज ब्रेक भी नहीं लेंगे, ताकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें हम वो ले सकें. क्वेश्चंस प्लीज टेक टीम जी. मोहित बंसल जी, मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर होता हूं जब सामने वाला मुझे यूजलेसली इंसल्ट करता है. मैं गिव बैक देता हूं, कितना भी सोचूं अगली बार आई विल कंट्रोल, लेकिन फिर भी अगली बार आई रिपीट. आई नो, सी इट हैपेंस टू मी आल्सो सम थिंग्स. मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, मैंने यू नो ये ट्रिगर को मैं समझ गई हूँ और काफी टाइम तक ठीक चलते रहता है, एंड देन आई फाइंड माय सेल्फ गेटिंग ट्रिगर्ड अगेन. तो ये रिमाइंडर सिर्फ उस सिचुएशन में एक रिमाइंडर नहीं होना चाहिए. मैंने देखा है कि जिन चीज़ों में मैं अपने आप को रोज रिमाइंड करती हूँ, उन चीज़ों में आई एम एबल टू हैंडल द ट्रिगर बेटर. लेकिन मैंने अगर कुछ समय तक उसको रिमाइंड किया और अपने अंदर मतलब उतार ली उस क्वालिटी को, लेकिन फिर अगर मैं 1-2 साल उसको भूल गई रिमाइंडर देना,
तो वापस वो वीकनेस मेरी एक्सपोज हो जाती है, बाहर आ जाती है, ट्रिगर हो जाती है। तो ये आपको अपने ट्रिगर्स के बारे में जो भी थॉट प्रोसेस है उसको रोज रिविजिट करना होगा। तो आप लिखते जर्नलिंग से कर सकते हैं, आपने लिखा हुआ है उसे रोज पढ़ने से भी फायदा होता है कि अच्छा ये ट्रिगर हुआ तो मेरा ये बिहेवियर रहेगा, ये ट्रिगर हुआ तो मेरा ये बिहेवियर रहेगा। आपको अपने रिएक्शन की जो मसल है उसको चेंज डेवलप करना है, चेंज करना है, और वो प्रैक्टिस से होता है, रोज करने से होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा मैंने आज सोच लिया मैं ट्रिगर नहीं होऊंगा, ठीक है नेक्स्ट टाइम में ट्रिगर नहीं हुआ, थर्ड टाइम में ट्रिगर हो गया, अच्छा नेक्स्ट टाइम में ट्रिगर नहीं हुआ, फिर फोर्थ टाइम में ट्रिगर हो गया, अच्छा नेक्स्ट टाइम में ट्रिगर हो, फिफ्थ टाइम में ट्रिगर हो गया। ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू डेवलप इट एज अ स्किल, इस पे आपको कार्य करना पड़ेगा। मोहित जी विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट समवन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रिंकू प्रजापत जी, दीदी जी प्रॉब्लम में है तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए या नहीं, बट वो हमें इग्नोर करते हैं। दीदी जी जो प्रॉब्लम में है तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए या नहीं, बट वो हमें इग्नोर करते हैं। मुझे ना जो समझ में आया, मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे ये समझ में आया कि आपको कोई दिख रहे हैं जो लोग प्रॉब्लम में हैं, आप उन्हें उनको हेल्प करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, लेकिन वो लोग आपको टोटली इग्नोर करते हैं, तो उन्हें हेल्प करना चाहिए या नहीं। देखिए हेल्प का, किसी को हेल्प करना का एक रूल है, वन सिंपल रूल इज उनको जान उनको बता दीजिए अगर आपको कुछ चाहिए आई एम अवेलेबल, बट उसके आगे जब तक वो आपसे हेल्प ना मांगे जाके नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लग सकता है उनकी बाउंड्रीज, आप स्पेस को वायलेट कर रहे हो, उनकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हो, या कई लोगों को एक हीनता फील होती है कि अरे किसने मुझे हेल्प कर लिया। और एक और चीज़ है कि जहाँ पर जो जो अगर आप किसी को हेल्प करते हैं और उसने मांगी भी है और आपने उनको हेल्प भी किया, लेकिन अगर वो मेच्योर नहीं है तो उनमें एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो जाता है कई बार कि अरे मैंने इनसे हेल्प ले ली, तो फिर वो बार बार अपने आप को सुपीरियर फील करवाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे भी इमेच्योर लोग होते हैं, मैंने देखा है, नो गुड डीड गोज अनपनिश्ड। तो ये समझ के आगे बढ़ना है, और अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो इग्नोर करते हैं तो करने दो, मैं तो मेरे गोल पे फोकस्ड हूँ, मैं मेरे गोल को इग्नोर नहीं करूंगा। यस रिंकू प्रजापत जी, जहां तक मुझे आपका प्रश्न समझ में आया है, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मीना गांधी जी, ओके आई विल जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ सिप हियर। नीना गांधी जी कवर कर देते हैं। मैम मैंने हर रिश्ते के लिए किया, सबसे बहुत फायदा उठाया, इवन मेरी मॉम को मैंने छुपा कर पैसे दिए थे कि उन्होंने कहीं दे दिए, और ऐसे मेरे साथ मेरी दोस्त ने भी किया, मुझे समझ नहीं आता क्या मैं ट्रिगर हो जाती। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नीना जी। एक तो अगर हम किसी को हेल्प करते हैं और वो अगर कोई ये देखे कि ये दुनिया का रूल नहीं है कि अगर मैं किसी की हेल्प करूँ तो वो मेरा अच्छा फ्रेंड बनेगा या मेरा अच्छा सोचेगा या मेरा दे विल हैव रिस्पेक्ट फॉर मी, देर इज नो रूल लाइक दैट। तो आप अच्छा करो क्योंकि आप अच्छा करना चाहते हो। अब आप लोगों को हेल्प करते हैं, ये करते हैं, तो आप ये देखिए कि आप क्यों हेल्प कर रहे हैं। क्या आर यू हेल्पिंग आउट ऑफ कंपैशन और आर यू हेल्पिंग आउट ऑफ फियर कि अरे मैंने हेल्प नहीं किया तो इनको क्या लगेगा मेरे बारे में या मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। आपको अपना ट्रिगर समझना होगा, हम नहीं समझ पाएंगे राइट। तो आपको समझना होगा कि उस सिचुएशन में जब आप रहते हैं और तब कुछ ऐसा होता है कि किसी को ऐसा हेल्प चाहिए होती है, तो व्हाई डू यू फील यू शुड बी द वन हेल्पिंग आउट, एंड इफ यू आर हेल्पिंग आउट तो आपको कितना हेल्प कर सकते हैं उसका भी आपको समझना आना चाहिए कि हाउ मच यू कैन हेल्प। देखिए लोगों को सर्व करना, उनकी मदद करना अच्छी बात है, इट्स अ गुड क्वालिटी टू हैव, और उसके बाद में रिग्रेट मन में नहीं आना चाहिए कि इसने मेरा से अच्छा बिहेवियर नहीं किया, क्योंकि वो कहीं पे रोल नहीं है दुनिया में। तो ये समझ के आप आगे बढ़िए, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इनर पावर जी, हरे कृष्णा मैम, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ बट समटाइम्स आई फील हेल्पलेस एंड व्हेन एवर आई गेट फेल एंड आई गेट डिसहार्टेंड। फेल सब होते हैं, टेस्ला भी फेल हुई है, स्पेसएक्स को अगर आप फॉलो करेंगे जो स्पेस का मिशन है हमारे इलॉन मस्क जी का, वो कितनी बार फेल होता है और उसका वीडियो वो खुद ही डालता है, अरे फेल हो गया ट्विटर पे, राइट। सो फेलियर हमेशा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके साथ फेलियर कभी नहीं हुआ है।
फेलियर हैपेंस टू एवरीबडी। जो सक्सेसफुल होते हैं वो उस फेलियर में भी सीखते हैं कि अच्छा अभी इसमें अभी क्या प्रॉब्लम हुई थी, मुझे क्या चीज में इंप्रूव करना है सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। यस, फिर आप उस चीज को धीरे धीरे इंप्रूव करते करते देन यू विल गेट सक्सेस। ऐसे कोई ऐसे बैठे बैठे सक्सेस नहीं होता है, आपको अपनी क्राफ्ट को पॉलिश करना पड़ता है, और उसको पॉलिश ऐसे ही होता है, बार बार फेल होते हैं, बार बार समझ में आता है अच्छा अब ये गलती होगी, नेक्स्ट टाइम अभी ऐसे करेंगे। मैंने कहा है ना, आई हैव फेल्ड इन 7 इंटरव्यूज बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन द US। आई गॉट अ गुड जॉब, बट 7 इंटरव्यू में फेल हो गई थी, और वो हर फेलियर में ये समझा कि अच्छा क्या क्या क्यों फेल हुई, क्या चीज़ मिस हुई थी इस टाइम तैयारी में, फिर नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूव किया, फिर उसमें इम्प्रूव किया। अभी जैसे जो हम काम करते हैं उसमें हमारी कई चीज़ें बहुत बार फेल होती हैं, तो उसमें हम डिसहार्टन हो जाएं, कह रहे हाय ये फेल हो गया, नहीं सीखो क्यों फेल हुआ और उसको फिर नेक्स्ट टाइम बेटर उसको ठीक करो, उसको ठीक करते जाओ, ठीक करते जाओ, ठीक करते जाओ, इटरेटिव प्रोसेस, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये सबके साथ होता है सर, आगे वो बढ़ता है जो डिसहार्टन नहीं होता है, और उस समय फिर रिफोकस करके अपने गोल के ऊपर, आईज ऑन द प्राइज इनर पावर जी, आईज ऑन द प्राइज, वो देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। किसी को वन शॉट में कुछ नहीं मिलता। टेनिस में भी जोकोविच इज सच अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन कई बार उसकी जो सर्व है वो फर्स्ट सर्व नेट पे चली जाती है, उसने कितनी सर्विसेज की होंगी, कितनी प्रैक्टिसेस की होंगी, बट मिस हो जाता है। सो उस समय वो डिसहार्टन थोड़ी होता है, ही डज इट बेटर नेक्स्ट टाइम, एनी स्पोर्ट्स प्लेयर यू सी, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट इनर पावर जी। परसिस्टेंस आपके लिए कीवर्ड्स है, परसिस्टेंस, इटरेटिव अप्रोच, आईज ऑन द प्राइज, ये चीजें याद रखना है हर टाइम, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और फिर आगे बढ़ना है। यस, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मंगेश भास्के जी, फैमिली में छोटे जब बात नहीं सुनते हैं, जब हम कुछ समझाना चाहते हैं तो छोटे जब झगड़ा करते हैं, तो इसमें क्या करें? मत समझाइए। क्या वो आपके संरक्षण में है? क्या आप उनके गार्डियन हो? क्या आपका बेड़ा है, आर यू द पेरेंट, कि उनको आपकी बात सुननी चाहिए? अगर आपका वो बेड़ा नहीं है तो आप किसी को कोई चीज में कन्विंस नहीं कर सकते हैं जैसा वो अपने आप करना चाहता है, राइट। तो वो ये एक अच्छा कोट है ना, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल रिमेन ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। आप उसको कन्विंस करके जबरदस्ती भी कर दो, उसके माइंड में वो वही सोचने वाला है जो उसको सोचना है। सो पीपल लाइक फ्रीडम, फ्री विल भगवान ने हमें दी है, भगवान हमारे थोड़ी हाथ धो के पीछे पड़े, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ठीक है भाई सुन लो, नहीं सुनना मत सुनो। सो यू कैन गाइड आपसे जो छोटे हैं उनको ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जितना पीछे पड़ेंगे उतना आपका रिलेशन खराब होगा और उतना वो आपकी बात और नहीं सुनेंगे। तो अगर आप उनके गार्डियन है या पेरेंट है तो यस, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव द अथॉरिटी, लेकिन अगर वो आप गार्डियन और पेरेंट नहीं हो, वो आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप एक बार सजेशन दे सकते हो, उसके आगे पीछे पड़ना, बात मनवाना अना वो आपके लिए हानिकारक होगा, वो रिश्ते में काफ़ी मतलब चीज खराब हो जाएंगी चीजें, तो ये ध्यान में रख के आगे बढ़िए। यस, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अर्जिता मिठू, मैम हाउ टू इग्नोर समवन ऑन होम वी आर डिपेंडेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, हु हैज आल्सो कॉज्ड मटेरियल लॉस विद देयर एक्ट्स। सो या तो कई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो या आप चेंज कर सकते हो। अगर आप कई चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो, आपकी चेंज के दायरे में नहीं है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। दिस इज हाउ इट इज। और ठीक है, जो मेरा लॉस हुआ है या जो मेरी नीड्स पूरी नहीं हुई थी, उनका ध्यान मैं खुद रखूंगी अब आगे से, या रखूंगा आगे से। सो दिस इज वॉट यू कैन डू। यस, एंड यू नो वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन, कि क्या चीज़ में कैपेबल है, क्या चीज़ में कैपेबल नहीं है, तो उन चीज़ की बागडोर मत दीजिए उनके हाथ में, अपने हाथ में रखिए और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कामना भंडारी जी, ड्यू टू डिप्रेशन आई कांट मेक फ्रेंड्स, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। Due to depression, I don't know if these two things are connected or not connected. I don't know. अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। Work on your depression first.
आप अपने डिप्रेशन पे काम कीजिए, उसको रूट कॉज समझिए कि डिप्रेशन क्या क्यों है, मेरी क्या आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हुई है जिसके कारण मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं जैसे जीवन जीना चाहती थी वैसे जी नहीं पा रही हूँ, या मेरे कुछ गोल्स थे या मुझे लग रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं, वट एवर इट इज़, वॉट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर डिप्रेशन, उस पर वर्क कीजिए पहले, उस पर काम कीजिए, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बी अराउंड अ डिप्रेस पर्सन ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम. थोड़े दिन तक सहारा देते हैं, रहते हैं, लेकिन क्या होता है फिर उसके बाद में लोग थक भी जाते हैं ना, वो बिकॉज उनके लाइफ में भी 10-50 प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं. सो विद मै आई से दिस विद कंपैशन टू यू, नॉट विद एनी जजमेंट. आप अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कीजिए. टेक अ होलिस्टिक अप्रोच राइट फ्रॉम योगा टू योर डाइट टू रूटीन टू काउंसलिंग टू कोचिंग टू मेडिकेशन. ये सारा एक अच्छे से आयुर्वेद से भी काफ़ी हेल्प होगी आपको. तो ये अच्छे से अपनी हेल्थ पे फोकस करके डिप्रेशन से बाहर निकलिए. एंड फ्रेंड्स बनाने में क्या बाधा हो रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या आप इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं, या आप मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं एक लेवल के बाद वो रिश्ता मेंटेन करने में, व्हाट इज द बाधा क्या है जिसके कारण आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए और उस पर वर्क कीजिए. इट मे नॉट बी डिप्रेशन, वो आपके ही कुछ इनर फियर्स भी हो सकते हैं, आपके ही कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. आप अपने आप पे काम कीजिए और आगे बढ़िए. डिप्रेशन से बाहर निकलना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब से भी मतलब टू हेल्प यू हैविंग अ गोल इन लाइफ हेल्प्स यू, तभी आप विल पावर से डिप्रेशन में निकल सकते हो. अब जैसे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करो, बोर होते हैं, उनको बोलो मूवी देखने जा रहे हो, सारा काम फटाफट करके तैयार भी हो जाते हैं, उनको बोलो स्कूल के लिए तैयार हो, उतना टाइम लगता है. मोटिवेशन, तो एक मोटिवेशन किस चीज़ का है, गोल बनाइए लाइफ में और उसमें फोकस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप फिर वो गोल के कारण आप फ्रेंड्स भी बनाएंगे, डिप्रेशन से भी निकलेंगे. यस, विश यू ऑल द बेस्ट. कामना भंडारी जी, हम सब कामना करते हैं कि आप जल्द से ठीक हो जाएं और आपके पास में फ्रेंड्स का पूरा भंडार ही भंडार हो. विश यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. बिलीव इन योरसेल्फ जी कह रही हैं, हम अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हैं तब भी आपसी संबंध सही नहीं रहते हैं, इससे बहुत मानसिक प्रताड़ना होती है. संबंधों को कैसे ठीक किया जाए, चाहे बहनों बहनों को हो या भाई भाई के. मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधता द पीपल इन कलयुग, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है. देयर इज हिपोक्रेसी, देयर इज लेजीनेस, देयर क्वारलसम, easily mind is easily disturbed. So, quarrel is a nature of Kali Yuga. अब हमें जो happy families दिखती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उनमें क्लेश नहीं होता है. क्लेश सब जगह होता है, बस लोग उसको overlook करके आगे बढ़ते हैं. लोग संबंध वो ठीक होते हैं जिसमें expectations minimum होती हैं, तब आपका अच्छा संबंध होता है. जिसमें मेरी need ये सामने वाला पूरी करे, वो संबंध difficult होते हैं. जिसमें मेरी नीड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगला अगर कुछ कर दिया वेरी गुड, नहीं किया कोई बात नहीं, आई विश यू वेल, वो संबंध ठीक रहते हैं. तो जितनी नीड्स कम हो, एक्सपेक्टेशंस कम हो, वो संबंध ठीक रहते हैं. और जितना हम सेल्फ पार्टनर और सेल्फ लविंग हो, उतने हमारे संबंध ठीक रहते हैं. तो दैट इज़ अगेन नीड्स. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस कि लोगों को ऐसे करना चाहिए, लोगों को जीवन ऐसे जीना चाहिए, मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, उनको खुद की लाइफ में ये करना चाहिए वो करना चाहिए. जितनी ये चीज़ें कम होती है ना संबंधों में, उतने वो संबंध स्मूथ चलते हैं. सबको स्पेस चाहिए, सबको अपना फ्रीडम चाहिए, और सबको कोई भी नहीं चाहिए कि वो जज करे. और बाकी रिलेशनशिप्स पे बिलीव इन योरसेल्फ जी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप्स पे ही पूरी प्लेलिस्ट है. उसमें हर टाइप के रिलेशनशिप, हर टाइप के इशू के बहुत सारे शोज हैं, बड़े छोटे, इंग्लिश हिंदी. सो यू कैन टेक हेल्प देयर. यस, विश यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. यहाँ पर पूनम बत्रा जी ने कितना अच्छा पॉइंट शेयर किया कि एक बार वो डिप्रेशन में थी, फिर वो अपने ब्रदर की मैरिज पे फोकस करने लग गई, उसके शादी के फंक्शन में, उसके कार्य में जो भी प्लानिंग और तैयारी होती है, तो फिर वो अपने जिन्हों वो अपने आप ठीक हो गए. तो इट इज सिमिलर टू हैविंग अ गोल टू फोकस ऑन, समथिंग प्रोडक्टिव टू फोकस ऑन. यस, थैंक यू पूनम जी फॉर शेयरिंग, एंड थैंक यू टेक टीम जी, उनका आपने कॉमेंट यहाँ पर शेयर किया. पूनम जी न्यूयॉर्क से हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और अच्छा काम करते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. तोशी बैड वॉक बदवाइक, सॉरी आई डिडंट रीड वेल. बदवाइक जी,
how to manage control on our emotions towards someone when we know that person has the same feelings for you but is ignoring or avoiding due to complex situations. What do you mean you love someone? I'm assuming, Toshi ji, ki aapka prashn hai ki aapko kisi ke prati feelings hai, emotions hai, attraction hai, prem hai. Aapko dikh raha hai ki dusre ko bhi hai, lekin wo ignore kar raha hai because of complex situations. Just go and say it to them. आप इग्नोर मत कीजिए, उनको बोल दीजिए कि दिस इज हाउ आई फील अबाउट यू, मुझे दिख रहा है कुछ सिचुएशन ऐसी है, बट आई एम हियर फॉर यू व्हेनेवर, आई एम वेटिंग फॉर यू व्हेनेवर इट इज राइट फॉर यू. सो एक बार एक्सप्रेस कर लेने से काफी रिलीफ मिलता है. एक्नॉलेज, आप अपने आप को एक्नॉलेज करते हो और आप दूसरे के सामने भी एक्नॉलेज करते हो तो एटलीस्ट मैसेज वहां तक पहुंच गया. मे बी आप ऑलरेडी उनको बोल चुके हो. सो अगेन, अगर आप बोल चुके हो और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, देन समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट सिचुएशंस इन लाइफ एंड मूव ऑन, राइट? So wish you all the best, Toshi ji, so that you get the love of your life, and we pray the very best for you. Thank you. Next question, please. P. Patwal ji, हमारे relative हर meeting में सबके सामने हमें लेके तमाशा create करते हैं. उन्होंने हमारी image खराब कर रखी है और लोग उन्हीं को सच मानते हैं. Ignore करें तो हमें ही गलत समझते हैं. हम खुल के लोगों को clear नहीं करते. आई नो, वेरी स्ट्रेसफुल, राइट? वो रिलेटिव है, रिश्ता है, उठना बैठना है, लेकिन जब हम साथ में मिलते हैं तो वो हमारे तमाशा बनाते हैं, हमारे बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, हमें हर्ट भी होता है, लेकिन हम चुप रहते हैं, समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें. ये रिश्ता खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग हमें बिलीव नहीं करेंगे. अब हम चुप रहे हैं, अब बोले तो प्रॉब्लम, नहीं बोले तो प्रॉब्लम, क्या करें पटवाल जी? तो ये देखिए, सबका अपना अपना नेचर होता है कि आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं, कैसे संभालना चाहते हैं, और आपकी कैपेसिटी क्या है रिएक्ट करने की या उस सिचुएशन को हैंडल करने की. तो सबके लिए एडवाइस अलग होती है. बट पटवाल जी, मैं एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ आपको बोलती हूँ कि जैसे दूध होता है तो जो घी और मलाई है वो अपने आप ऊपर आ जाती है. जैसे जब हम दही जमाते हैं तो अपने आप जो घी है, जो बटर है, वो अपने आप ऊपर आ जाता है. वैसे ही जो सच है, वो नियम है, रूल्स ऑफ लाइफ आज जो हमने बात करी है, वो हमेशा ऊपर आ जाता है, दिख जाता है सबको. और लोगों को, हमें लगता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, बहुत हुआ है. लेकिन आप अपने आप पे फोकस करके, अपने नेचर को संभालते हुए, अपने बाउंड्रीज और अपना जो आपके जो वैल्यूज है उनको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए, सच अपने आप ऊपर आता है. क्योंकि पटवाल जी जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ना, वो उनका स्वभाव है. वो आपको चुन के ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो सबके साथ ऐसा करेंगे. आपको लग रहा है सिर्फ आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन कोई और सिचुएशन में वो जिन लोगों को सुना रहे हैं आपके बारे में, उनके साथ भी वैसा करेंगे. क्योंकि वो अपने ही स्वभाव से त्रस्त हैं, परेशान हैं, और वो वैसे ही बिहेव करेंगे. तो सबको उनका टेस्ट मिलेगा. वो यू बी कॉन्फिडेंट कि सब वो सबके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे और आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे. तो सबको दिख रहा है क्या हो रहा है, आपकी क्वालिटीज भी सबको दिख रही है. क्योंकि जब वो आपके साथ वार्तालाप करते हैं, वो दूसरे जो लोग हैं, जो उनको आपके साथ में एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, और उनको वो दूसरे जो हैं उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है. तो सच हमेशा ऊपर आने वाला है पटवाल जी, आई एम कॉन्फिडेंट. और आप आगे बढ़ते रहिए. आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने रिश्तेदार को कि आप ऐसा करते हैं तो हमें हर्ट होता है, प्लीज आई विल आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसा मत कीजिए. हम कैसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं? फोर्स तो किसी को कर नहीं सकते, मुंह बंद नहीं कर सकते. अगर आपको लग रहा है कि ऐसा बोलने से वो और ज्यादा आग में घी डालना ऐसा हो गया, तो मत बोलिए. आप अपने आप पे फोकस्ड रहिए, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, और समाज अपने आप समझेगा. और कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो कि आपको रियली समझते हैं, सो दैट यू फील सपोर्टेड. हम सब चाहते हैं दैट हम एक कम्युनिटी के पार्ट हो, और जिनके सामने वो आपके बारे में उल्टा नीचा, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप प्रोएक्टिव होकर उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाइए. आप क्यों पीछे हटते हो? वो कुछ भी बोले आपके बारे में, तो अगर आप पीछे हट गए तो आपको लग रहा है अरे वो मुझे बिलीव कर रहे हैं. नो, गिव देम अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. उन्हें आप घर पे बुलाइए भोजन पे, उनसे मिलिए, उनके साथ वेकेशन पे जाइए कहीं पे, गिव देम अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ यू. आप क्यों पीछे होकर दब रहे हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको, बस आप अपना नेचर का एक्सपीरियंस दीजिए. हम क्या पीछे हट जाते हैं इनसिक्योर होके हैं, या हमें डर लगता है, हमें लगता है अरे वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अरे उन्होंने उनको बिलीव कर लिया. नहीं, समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं. मैं जाके ओपनली आई गो एंड ट्राई टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद देम.
और फिर वो ठीक उनको फिर एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है मेरे बारे में, जो कि उन्होंने दूसरों के से नेगेटिव सुना होगा, बट दे गेट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो वो लोग अपना दिमाग यूज करते हैं, कोई किसी की साइड पे नहीं है, दे आर फॉर देमसेल्व्स, ये बात हमेशा याद रखना है। यस, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रीमियम स्टार, ये रेगुलर स्टार नहीं है, ये प्रीमियम स्टार है। माता जी, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। मुझे अपने फ्यूचर को लेके टेंशन होती है बिकॉज मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता। देखिए, इंट्रोवर्टिंग जो इनका जिनका इंट्रोवर्ट नेचर होता है वो बहुत डीप नेचर होता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर नेचर, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके बहुत सारे कई गुण होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं होते, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनमें बहुत सारे गुण होते हैं जो इंट्रोवर्ट नहीं होते। तो आपका जो एक नेचर है वो एक डीप नेचर है, एक ऑब्जर्वेंट नेचर है, एक सेंसिटिव नेचर है, आप बहुत चीज़ें अच्छे से समझते हो। सो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को खोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और भारत में भी रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं विश्व में, एक अच्छे ग्रुप है, आई यूज टू गो फॉर दैट, मैं ज़्यादा नहीं जा पाई, मुझे समय नहीं रहता था, टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल करके, राइट? तो वो टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल में क्या होता है, यू लर्न पब्लिक स्पीकिंग, राइट? तो उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे ही अपने जैसे लोग होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, जो कि दे आर कॉन्फिडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग बट वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या ये वो ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाते हैं एक पब्लिक सिचुएशन में। तो उसमें एंड इसकी कोई फीस भी नहीं होती है ज़्यादा, बहुत बिल्कुल नॉमिनल फीस रहती है जस्ट फॉर द बुक्स एंड द मटेरियल्स, जो बहुत कम रहती है, इट कैन बी अफोर्डेड बाई एवरी वन। आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हो नियर यू, एंड यू कैन अप्लाई टू बी अ मेंबर। आप एक बार ऐसे ही विजिट कर सकते हो टू सी कि कैसा आपको लगता है। तो उसमें क्या होता है कि देन आपके 10 स्पीचेस होते हैं और उसमें एक स्ट्रक्चर रहता है, चाहे ये स्पीच पे ये फोकस करना है, ये स्पीच पे वो फोकस करना, और एक बहुत सपोर्टिव ग्रुप रहता है जो समझता है आपके स्पीकिंग के स्ट्रगल्स। तो उसके कारण, और वो ग्रुप के सामने ही आप बोलते हो, कोई वही ग्रुप के सामने आप एक दूसरे को हेल्प करके इम्प्रूव कर रहे होते हो, प्लस आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती है, वेरी सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके कारण यू आर सपोज टू इंटरैक्ट विद द ग्रुप मेंबर्स, स्केड्यूलिंग रखना, टाइम मैनेजमेंट करना, रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर टाइम अलग अलग रहती हैं। तो उससे क्या होता है, पर्सनैलिटी हमारी खुलती है, हमारा फियर ऑफ टॉकिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल, टॉकिंग इन पब्लिक और वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, वो सारा निकल जाता है, और हमारा फ्लो ऑफ थॉट्स भी बहुत स्मूथ हो जाता है। तो यू कैन ट्राई दिस प्रीमियम स्टार जी, और आपको अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव वंडरफुल क्वालिटीज, और आप इस वे से अपने आप को पॉल आगे बढ़ सकते हैं। यस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। SUSG, हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन व्हेन यू नो दैट योर रिलेशनशिप doesn't working for you but still you are trying to hold this relationship because of your deep feelings for them. See, relationship hum kyun rakhte hain, rishte hamare kyun hote hain, abhi ye use and throw nahi hota na hamara jo culture hai, isliye aap hamara culture aisa nahi hai, hamari sanskriti aisa nahi hai ki acha mujhe kuch fayda ho raha to theek hai, nahi fayda ho to chhod ke niklo. Maine already kaha hai ki hamari jo sanskriti hai wo integration ki hai, aur relationships ये ना बिकॉज ऑफ दिस हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, और क्योंकि वही वो लोग बेचते हैं जो बिकता है, जो लोग देखते हैं, तो इससे क्या एक यूज एंड थ्रो सिविलाइजेशन हो गया है। अनदर थिंग इज अमेजोन रिटर्न पॉलिसी, फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी, तो हमें लगता है दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, लेट मी रिटर्न। सो ये किसी की गलती नहीं है, बट ये क्या होता है, बिकॉज हम एक ऐसे पर्यावरण में हैं और एक ऐसा चीज हो गया है आसपास, तो क्या हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में एक मेंटालिटी वैसे बनती जा रही है, अरे काम छोड़ना क्यों दिमाग लगा रहे। बट रिलेशनशिप्स आर मच डीपर देन दैट। तो जैसे अगर हमारे रिश्ते हैं परिवार में, विवाह के जो रिश्ते हैं, हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप है परिवार में, ताऊ चाचा बुआ ससुराल जो भी है, ये सब हमारे जीवन में कोई कारण से है, और हमें किसी के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हमें अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो आपका प्रश्न है कि रिलेशनशिप डजंट वर्किंग फॉर यू, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट, बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप इज वर्किंग फॉर यू वर्सेस नॉट वर्किंग फॉर यू। आपके दृष्टिकोण से अगर मैं आपके दृष्टिकोण में जाकर खड़ी हूँ, तो वो वर्किंग फॉर यू नॉट वर्किंग फॉर यू का अर्थ क्या है,
मुझे नहीं पता है वो क्या है, और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको जाने बिना नहीं दे सकती हूँ। तो आप जो आपको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, आपकी सिचुएशन को समझते हैं, उनसे बातचीत कीजिए और अपने नेचर को भी समझिए कि कई, मैं नहीं कह रही हूँ आपका, मैंने एक जनरल कमेंट पास किया कि आजकल एक यूज एंड थ्रो हो गया है। आई विल शेयर अ जोक विथ यू ऑल्सो, नॉट कनेक्टेड टू योर क्वेश्चन, बट जस्ट लोगों का मेंटालिटी अबाउट प्रोडक्ट रिव्यूज क्या हो गया है। मेरा जीवन में कुछ एक अनुभव हुआ था जो इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि अरे उस अनुभव के बारे में, और तो उन्हें पता नहीं था, तो मैंने कहा नहीं ऐसा, यू नो आई वेंट थ्रू दिस। तो मुझे उनका नेक्स्ट चैट आता है, ओह सॉरी टू हियर दैट, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और आपका क्या लर्निंग्स है उससे। एंड लाइक इज दिस मैन क्रेजी, इज इज लाइक आई हैड अ प्रोडक्ट विच डिडंट वर्क फॉर मी, तो मैं उसका रिव्यू आपको दूँ कि वो क्यों चला क्यों नहीं चला, आई मीन वेयर इज योर सेंसिटिविटी गॉन। तो ये थोड़ी सेंसिटिविटी भी आजकल एब्सेंट हो गई है जगत में, यू नो। सो SUSG, आप अपना प्रश्न उनसे पूछिए जो आपके आपको समझते हैं, और यू कैन ऑल्सो सी समटाइम्स वी थिंक दैट द रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग फॉर अस एंड इज रियली नॉट वर्किंग फॉर अस, बट समटाइम्स इट इज आवर ओन ट्रिगर्स, आवर ओन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आवर ओन इनएबिलिटी टू गिव स्कोप टू द अदर पर्सन, एंड यू नो मे बी हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं उनके ऊपर, हम अपने आप पे इतने फोकस नहीं है, तो मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, राइट? तो ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप आगे बढ़िए। यस SUSD, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विकास पाटिल जी, 9 साल से घर पर ही हूँ, डिप्रेशन में हूँ, सब कुछ ट्रीटमेंट ले चुका हूँ और कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, मैं क्या करूँ? आप अपनी ग्रह दशा देखिए, क्या दशा चल रही है, इफ़ योर मून इज वीक, आप मून की दशा में हैं तो उससे क्या रहेगा, और अगर दशा भी नहीं है, अगर आपका यू नो आपके प्लैनेटरी पोजिशन ऐसे है जिसके कारण आपका माइंड पे ऐसा इफेक्ट है, तो उसकी क्या रेमेडीज हो सकती है। सीकिंग फॉरगिवनेस रोज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जिन जिन आत्माओं को हमने पीड़ा दी है हमारे पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, उनसे क्षमा मांगिए, कर्म कटते हैं, दान पुण्य कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, चंद्रमा से प्रार्थना कीजिए, चंद्रमा की अच्छे से किरणें लीजिए और एक्सेप्ट करते रहिए। और अगर डिप्रेशन भी है, बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, कुछ छोटे छोटे गोल्स बना के अपने आप को मोटिवेट रखें, बड़े नहीं तो छोटे छोटे, उनको अचीव करके कि चलो आज मैंने अपने रूम को ठीक से रखा या आज मैंने अपने कपड़े ठीक से रखे। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ विथ स्मॉल स्मॉल गोल्स एंड कम आउट ऑफ इट। और आयुर्वेद और योग का भी सहारा लीजिए, क्योंकि कई चीज़ों का तोड़ नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में, और वो नहीं चाहते कि आप आयुर्वेद और योग का सहारा लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी मेडिसिन लेते जाएं। तो आप आयुर्वेद में तोड़ है इन चीज़ों का और योग में भी तोड़ है, तो जैसे आयुर्वेद और योग से आपकी बॉडी बैलेंस होगी, माइंड का जो कंट्रोलिंग फैकल्टीज है फिर वो आपकी स्ट्रांग होगी। यस, और हम सब प्रार्थना करते हैं विकास जी कि आप जल्दी से जल्दी अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सकें, अपने जीवन को फुल्ली जी सकें, और हमारी सबकी आपके लिए यही प्रार्थना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम लेंगे 3 और क्वेश्चन, क्योंकि फिर टेक टीम जी को जाना होता है घर, तो अब हम 3 और क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ प्रश्न दिख रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे। यस टेक टीम जी, शेखर जी, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करें, कैंडल करें, हरे कृष्णा माता जी। Self-respect is a very deep concept, Shekhar ji, in the interest of time. Go to my YouTube channel, वहाँ पे self-love की एक playlist है। आप वो self-love के playlist में जो भी talks है, बड़े छोटे, everything, hear it nicely. तो आपको, you will understand self-respect also, through self-love. Yes? तो अपनी needs का, अपनी feelings का ध्यान रखना, उस हिसाब से अपने goals का ध्यान रखना, अपनी boundaries मिटाना, अपने material self and spiritual self identity samajhna vagera and being self partner strongly being with ourselves supporting ourselves and going ahead ye aap wo self love playlist se aap wo sare dekh sakte hain aur aaj ke hamare show ke description mein bhi ek self love ka bhi maine ek link diya hai but on my playlist there is a full playlist
on my channel, there's a full playlist. So channel ka link bhi description mein hai. Yes, wish you all the best. Next question, please. The second last question hai. Radha Krishna ji. Hare Krishna. आपने भाई बहनों को किसी चीज के लिए बोलने पर वो हमारे नहीं समझते और वे ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमें बहुत कुछ गुस्सा आ जाता है, उन्हें तो कैसे इग्नोर करूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलते क्यों है जब आपको पता है कि वो ट्रिगर होते हैं? ट्रिगर मतलब आपने खुद के समझे हैं, लेकिन आपको दूसरे के भी ट्रिगर समझने हैं ना, कि अच्छा मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो वो इन चीजों में ट्रिगर हो जाते हैं। फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, हम ये बात कर चुके हैं। तो उन बातों को कीजिए ही मत। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड मैनेज लाइफ प्रॉपर्टी के बारे में जब चर्चा होती है तो अगला वाला ट्रिगर हो जाता है, तो वो वाली बातचीत ही मत कीजिए, जाइए ही मत वो डायरेक्शन में। एवरीबडी नीड्स देयर ऑटोनोमी। सब चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हूँ, मुझे कोई कुछ ना बोले, आई हैव फ्रीडम, आई हैव स्पेस। गिव देम दैट स्पेस। व्हाई आर यू इवन सेइंग एनीथिंग टू देम? क्योंकि वो ट्रिगर हो रहे हैं, फिर वो ट्रिगर होके फिर वो आपको कुछ बोलेंगे, फिर आप हट होके बैठ जाओगे। तो बोलो ही मत ना, अपने आप को बचा के रखो, आगे बढ़ो। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, नॉट ऑन देयर गोल्स। विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है टेक टीम जी। ड्यू टू अटैचमेंट्स इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम आई एम लॉन्गिंग टू मेक थिंग्स वर्क, हाउ टू डील विद दैट? Is it attachment or is it some need of yours? कि मुझे lonely नहीं रहना है, या I have a need for a relationship. तो इसके लिए ये जो है, मैं वो need पूरी करने के लिए I am putting in the effort, right? So understand your need. It's my good life ji. आपकी need क्या है? क्या आप उसी way में उस need को पूरी कर सकते हैं, या you can find another way to take care of your need, right? So attachment is a lofty word. उससे फिर आपको इतना समझ नहीं आता है हाउ टू डील विद योरसेल्फ। इफ यू अंडरस्टैंड नीड, इट्स सिंपलर। ये मेरी नीड है, तो इस नीड, या तो वो नीड ही, मतलब ऐसी नीड को अगर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं कि वो नीड ना हो, या अगर वो एकदम बेसिक ह्यूमन नीड है अपने पंचकोश से रिलेटेड, तो उस नीड को मैं ध्यान कैसे दूं? हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई नीड? यस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इट्स माई गुड लाइफ जी एंड टू ऑल ऑफ यू। शुभम वाघमारे जी पूछ रहे हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज बेस्ट लाइफ पार्टनर। आई हैव डन 4 शोज ऑन दैट, लाइफ पार्टनर कैसे चुने, पार्टनर का चुनाव कैसे करें, फिर अरेंज मैरिज करें, लव मैरिज करें, क्यों करें शादी। अब आप जो भी कर ले, आप करेंगे, आप अपनी बेस्ट मेंटल फैकल्टीज यूज करेंगे, बट यू विल गेट द लाइफ पार्टनर जो कि आपके शुद्धिकरण के लिए परफेक्टली बना हुआ है, जिससे कि आपका शुद्धिकरण और एलिवेशन हो। तो ये समझ लीजिए और आगे बढ़िए। बट वो शो में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप जो गलतियां आजकल हो रही हैं लाइफ पार्टनर के चुनाव में, जिनके कारण बहुत सारे विवाहों में काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो आप नहीं फेस करेंगे। यस, सो शुभम जी प्लीज लिसन टू दो शोज। वो शोज हमारे ऑल शोज प्ले लिस्ट में भी हैं, मेरे चैनल पर भी लिंक्ड है, या अगर आप लाइफ पार्टनर नमिता पुरोहित सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहां पर भी मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन। आज हमने 3 पॉइंट्स चर्चा किए हैं कि हाउ टू इग्नोर दोज हु स्ट्रेस यू आउट। तो उसमें हमने ये सीखा है कि सबसे पहले आप उनको ऊपर फोकस से हटके, आप अपने गोल्स को जो इग्नोर करके रखा, अपने गोल्स बनाइए और अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। सेकेंड पॉइंट इज लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फैन का स्विच, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शंस अवेयरनेस, आपकी नीड्स और आपके ट्रिगर्स का स्विच आपके हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड द लास्ट वन इज, व्हाट इज द लास्ट वन? लास्ट पॉइंट क्या था? रूल्स ऑफ लाइफ। तो मैं जस्ट स्लाइड निकाल रही हूँ ताकि आई कैन जस्ट रीड इट आउट टू यू। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू, कोई भी आपको पूरी तरह नहीं समझने वाला। लोनलीनेस इज अ गिवन इन लाइफ, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लोग आपके अगेंस्ट नहीं है, वो फॉर देमसेल्व्स हैं। आप ट्रिगर होने वाले हैं, आप अपने आप पे वर्क करते रहिए, हर टाइम देखिए कि कैसे आप नेक्स्ट टाइम ट्रिगर ना हो। यू हैव टू कीप लर्निंग एंड यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, रीड इस ट्रिगर का ये तोड़ा है, मुझे इस चीज में ट्रिगर नहीं होना है। रिमाइंडर मसल प्रैक्टिस ये जरूरी है। और लोग बदलते हैं तो उनके ओपिनियंस जो बदलते हैं, वो उनका जो आपके प्रति दृष्टिकोण है, उसके उतार चढ़ाव में आपके इमोशंस का जो उतार चढ़ाव होता है, वो फिर हमारी बेवकूफी है। हमारा अपने आप के बारे में जो दृष्टिकोण है, वो इन लोगों के चेंजिंग ओपिनियन से नहीं होना चाहिए, चेंजिंग ट्रेंड से।
वो हमें भगवान देखते हैं, हमारे गुरु का क्या दृष्टिकोण है, हमारे माता पिता का क्या दृष्टिकोण है, और हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा अपने गोल्स के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उससे डिफाइन होना चाहिए। और फिर हमने बात किया भारतीय कल्चर इज नॉट ऑफ कटिंग डाउन कल्चर, हमारा इंटरडिपेंडेंस इंटरकनेक्टेडनेस का कल्चर है, और ये समझना जरूरी है जब हम किसी को काट देते हैं अपनी लाइफ से या हम ये कर देते हैं, ठीक है जिससे नहीं पटते उससे कम एंगेज कीजिए बट काटिए मत किसी को, और ये समझ के हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सब ये शो पर आए और मुझे इतना अच्छी कंपनी मिली आप सबकी, इतना अच्छे से आप सबसे मिलना हो जाता है हर समय। श्याम नारायण जी, तुलसी कुमार, पूनम बत्रा, संदीप कुमार, स्मिता पुजारी, ऑल द वे फ्रॉम यूके, ऑलवेज बीन देयर ऑन मोस्ट ऑफ द शोज, मेघना पटकी जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स जी, देवाशीष जोशी, संदीप कुमार, सो मेनी मोर पीपल, आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज ये वेंसडे इवनिंग आप सबके साथ मुझे बैठकर चर्चा करने का मौका मिला, और आपके भी इतने सारे अनुभव आपने शेयर किए हैं यहाँ पर चैट में जिनसे हम सबका ज्ञान वर्धन हो रहा है, एक्सपीरियंस का वर्धन हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, और हम मिलेंगे 2 हफ्ते बाद। हम सोच रहे हैं कि 2022 के क्या गोल्स होने चाहिए, उस पर टॉपिक फोकस करेंगे, कैसे गोल्स सेट करें और ट्रैक करें। इफ यू लाइक दैट टॉपिक हमें आप चैट में बताइए, तो वोट कीजिए उसके बारे में। यस, ओके, बाय बाय। एंड नीलोफर जी, स्पेशल फ्रेंड इज हियर, लॉट ऑफ स्पेशल फ्रेंड्स हियर टुडे, पूनम जी, नीलोफर जी, एंड सो मेनी मोर पीपल, थैंक यू। एंड सुनीति भान जी ऑल्सो, यस, ऑल द वे फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सिल्वर, यस, थैंक यू एंड बाय बाय, हरे कृष्णा।